और नाड़ी काटती है। कहते हैं हमने अपना हाथों से नाड़ी हमने काटी, हम कैसे मान सकते हैं कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए हैं। मथुरा में प्रकट हुए लेकिन वो कृष्ण गोकुल में जन्म होते हैं। इसलिए एक ग्रंथ है जिसका नाम रुद्र जांबल। ये शंकर जी ये बात पार्वती को बता रहे हैं, बोले पार्वती मैंने देखा है कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं। ये श्लोक है, बोले यशोदा आनंद पत्नी च सुसुवाते समम तदा गोकुलाख्य वाम्बवान सांबिताम मथुरागत। कृष्ण शंकर जी कहते पार्वती मैंने अपना आंखों से मैंने देखा है एक साथ में मैया यशोदा ने दो बच्चे जन्म दिए। पहले तो कृष्ण जन्म हुए, उसको बाद में फिर जुगमाया ने जन्म ग्रहण की। और जब श्री वसुदेव महाराज कृष्ण को मथुरा से लाए, अभी वहां से एक कृष्ण गोकुल में एक कृष्ण, फिर तो दो कृष्ण हो जाएंगे ना, फिर एक कृष्ण फिर गया कहां। बोले जो नंदनंदन कृष्ण जो गोकुल में जन्म हुए हैं वो पूर्ण है, मथुरा में जो कृष्ण प्रकट हुए वो अंश कृष्ण है। इसलिए पूर्ण कृष्ण ने ये अंश कृष्ण को अपना शरीर में मिला लिया। लेकिन ये बात को वसुदेव महाराज समझ नहीं पाए क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और यहां से उन्होंने लड़की को लेकर कहां चले गए, मथुरा में चले आए। बोले भैया भागवत में कहीं इसका प्रमाण क्या है, तब हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवीर ठाकुर प्रमाण देते हैं। कहते गोपी गीत का जो प्रथम श्लोक है, बोले जयति तधिकाम जन्मना प्रजा सयत गोपी गीत का पहला श्लोक में कहते हैं, बोले जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। बोले हे श्याम सुंदर, जब से तुमने ब्रज में जन्म हुए है तब से ब्रज की जय जयकार हो रहा है। लेकिन केवल तुम्हारी जो गोपियां ना सबके सब तो सुखी है, लेकिन केवल तेरी गोपियां ही तेरे विरह में रो रही हैं। हे श्याम सुंदर तो कहां हो, हमें कृपा करके हमें दर्शन दो। ये गोपियां ये बात राधा रानी कह रही है, जन्मना ब्रज कृष्ण ब्रज में ही जन्म हुई। ये पहला श्लोक है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का जन्म उत्सव को जो वर्णना करते हैं, इसका जो पहला श्लोक है, बोले नंदस्तु आत्मद जातालाद महामना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंदस्तु आत्मज, जब नंद बाबा के लाला ने जन्म लिया है, जातालाद महामना, नंद बाबा ने बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। लेकिन कोई क्या कहते, वसुदेव का आनंद भयो है, कोई बोलते है क्या किसका आनंद भयो है। बोले श्री नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सुखदेव गोस्वामी प्रथम श्लोक है ये कृष्ण जन्म उत्सव का। जिस समय ब्रह्मा जी कृष्ण के जो बछड़े सखाओं को चोरी की, जब ब्रह्मा को पता चला कृष्ण कौन है, ये परम ब्रह्म परात्पर तत्व है, तो ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, बोले नौ मिड्यते अभ्रवपुषे तड़िताम्बराय गुञ्जावतंस परिपीचलसत मुखाय वन्य सजे विशाल वेणु मृदुपते पशुपांग जाय। कृष्ण कौन है, बोले पशुपांग जाय। पशु का मतलब जो गैया चराने वाले नंद बाबा, जिनकी अंग से ये जन्म हुए हैं, पशुपा मतलब श्री नंद बाबा से जन्म हुए हैं, ये कौन है, श्री नंद लाल। ये श्री नंद के ये लाला है। ये कौन कह रहे हैं, बोले ब्रह्मा जी कहते हैं। बोले गर्गाचार्य
के नामकरण करने के लिए आए, तो उसी समय में गर्गाचार्य ये बात कहते हैं, बोले नंद ये जो लाला है ना, बोले क्वचित वासुदेवस्य क्वचित जाता तद तवात्मज, कहते जो लाला है ना ये तेरा ही लाला है, लेकिन ये कभी वसुदेव का भी लाला बना है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा, लेकिन लाला किसका है? बोले जय जय श्री राधेश। अभी प्रश्न होता है, भैया कृष्ण तो अजन्मा, कृष्ण गीता में खुद कहते हैं, हे अर्जुन अजो अपि सर्ण अभय आत्मा भूतानापि ईश्वर अपि सन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। हे अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, जन्म कर्म च मैं दिव्यम, लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। बोले क्यों जन्म लेते हैं? हमारे गुरुजी और हमारे टीकाकार इसको पीछे 10-15 कारण बताए, आज मैं 10 कारण बताऊंगा, फिर आपसे सुनूंगा। तुम लोग भी बता सकते हो 10 कारण में 2-3 कारण? कौन बोलेगा हाथ उठा? तुम बोल सकते हो? याद है कुछ? कृष्णा अजन्मा, फिर अजन्मा होते हुए भी कृष्ण क्यों जन्म ले? मैंने बहुत बार सुनाया कथा, किसको किसको याद है? हाथ उठाओ, कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? हाथ उठाओ, देखो दुनिया की बात बोलो ना, एकदम 20 साल पुरानी बात अभी याद आई, लेकिन भगवान की बात बोला तो सब चुप हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ एक नोटबुक रखो और पेन में लिखते रहो, पेन में लिखा कापी में लिखते रहो। याद है कुछ? बोल सकते हो? तुम बोल सकते हो? याद है कुछ? कितना कारण याद है? अब बोल सकते हो? हाँ, हो गया था। हाँ बोल सकते हो? 4-5 कारण बता सकते हो? तो क्या तर कापी पेन कहाँ है? हाँ पूजा, वहां पर फूल चंदन देकर पूजा करो। हरे कृष्ण। कल मैं सुनूंगा, आज मैं 10 कारण बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा। देखो कथा हो रही ना, ऐसे नहीं बस फ्री 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 माइंड में चुपचाप बैठे हो, माला लेकर बैठी हो, ये कथा भी याद कर सबके साथ। हाँ अभी मैं 10 कारण बताऊंगा, फिर मैं कल सबको खड़ा करूंगा, देखूंगा कल मेरे को भूल पाता है, ठीक है? इसलिए कहते हैं पहला कारण है, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानीर भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यम। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब जब इसी पृथ्वी को पर में अत्याचार होने लगे, गो ब्राह्मण स्त्री पृथ्वी इनको पर में अत्याचार होने लगता है और धर्म का हानि होने लगने लग जाए और अधर्म बढ़ने लग जाती है, तब तक मैंने इस जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को मैं रक्षा करता हूँ। न मैंने कुछ बोल सकता हूँ? याद है? इसलिए कल सुनाना, 10 कारण बताता हूँ, कल सुनाना। इसलिए दूसरा कारण है, बोले अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। दूसरा कारण है कि भक्तों को ऊपर में मैं अनुग्रह कृपा करने के लिए मैंने जन्म लेकर के सुंदर सुंदर लीला की। अगर कृष्ण जन्म नहीं लेते, अभी प्यारी प्यारी मीठी मीठी ठाकुर लीला नहीं करते, हमारे कल्याण कैसे होता? कृष्ण जन्म नहीं लेते तो हम घर में बैठ, जन्म हुए तभी तो हमने इतने धूमधाम से जन्म उत्सव मनाए, आज भी राधा रानी की कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे, प्रभु सुंदर सुंदर मीठी मीठी लीला की, तभी तो प्रभु की कथा हम सुन रहे हैं। वो लीला नहीं करते तो हम फिर घर में बैठ कर टीवी देखते, फिर दुनियादारी की बात करते। इसलिए भगवान कहते मैं भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए मैंने ये लीला करता हूँ, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण बताए, अभी सुन रहे थे ना, कृष्ण कहते हे देवकी वसुदेव पूर्व जन्म में तुम दोनों प्रश्न और सुतपा थे, 1000 साल तक तुम लोगों ने केवल सूखे पत्ते खा खा करके भजन किए। जब मैंने कहा वर मांगो, बोले प्रभु आप जैसे हमें एक बेटा चाहिए, बोले मेरे जैसे तो कोई होते ही नहीं, मैं अगले जीवन में तुम्हारी बेटा बन करके आऊंगा।
ये एक कारण है, ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है कि ये द्रोण और ये धरा दोनों राजा रानी थे, ये दोनों ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जब संतुष्ट हुए बोले ब्रह्मा आगो, बोले हे प्रभु, जैसे स्वाभाविक रूप में एक बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है, आ मेरे पेट से जन्म लेना। जैसे मैया उनको पलने में झुलाती हैं, अंगुल पकड़ करके ठुमक ठुमक करके उनको चलाना सिखाती हैं और उनको लाड़ प्यार देती हैं, शासन करती हैं, डांटती हैं, ऐसे ही आप मेरे लाला बन करके आना, फिर मैं आपको ऐसे शासन करूंगा। बोले ठीक है। तो वही कौन बन करके आई? बोले नंद और जसोदा। और स्वाभाविक रूप में कृष्ण जन्म हुए और उनको शासन करती थी, लाड़ लड़ाई करती थी। कितना कारण हो गया? कितना कारण हुआ? कहते चार कारण हुआ है। पंचमा कारण है, जिस समय राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवास गए, अभी सुपर्णखा इनका रूप देख करके मुग्ध हो गई और बड़ी सुंदरी बन करके आई। बोले प्रभु, मैं जितने सुंदर है ना, तू भी ऐसे सुंदर हो, इसलिए मेरे से तुम ब्याह कर, शादी कर ले। रामचंद्र ने कहा ऑलरेडी ये मेरी सीता है। इतने में लक्ष्मण गया हुआ था लकड़ी लेने के लिए। जब लक्ष्मण आया, बोले भैया ये भी तो कम सुंदर नहीं। बोले ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भैया। बोले इससे शादी कर सकता हूँ? बोले तेरी जैसे मनमानी को कौन रोक सकता है, पूछ करके देख ले। बोले लक्ष्मण तू मेरे से शादी कर ले। लक्ष्मण बोलिए अभी अभी तो बड़ी भैया से कुछ मांग रही थी। बोले वो मेरे प्रेम को नहीं समझा, तू मेरे से शादी कर ले। बोले ये बताओ तू रानी बनना चाहते हो ना दासी? बोले रानी? बोले तो मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना, सेवा करते करते थक जाओगे, रानी बनने की स्वप्न देख रहे हो, जाओ राम को पास में जाओ। फिर राम से प्रार्थना की, फिर राम ने इनकार कर दी। बोले ये सीता जितने गड़बड़ी का कारण है, इसको खा जाती हूँ फिर तो तुम शादी करोगे। जब खाने के लिए गई, राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया तो लक्ष्मण उसको नाक कान काट दिए। बोले नाक कान क्यों काट दिए? कहते लक्ष्मण गुरु है। बोले गुरु का काम क्या है? बोले शिष्य को उपयुक्त बना करके भगवान की सेवा में लगाना। लक्ष्मण समझ गए इसने भगवान को अपना हृदय में बैठा चुके हैं, भगवान भी स्वीकार कर चुके हैं, क्यों? भगवान भावग्राही जनार्दन। लेकिन अभी तो और किसका बन करके मत रहा कर, एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, उसका नाक कान तो काट दो, देखना दुनिया उसको कोई पूछने वाले नहीं। वही फिर रामलीला में क्या बन करके आती है बोलो? कहती है फिर ये कुब्जा बन करके आती है, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। कहती ये कारण है। कितना हो गया? पांच कारण हो गया। छठवां कारण है, कल जब भगवान वामन देव आविर्भूत हुए, बलि महाराज का बेटी रत्नमाला वामन देव को देखकर मुग्ध हो गई। बोले ऐसे अगर एक लाला होता तो दिन भर में गोद में लेकर उसको लाल लड़ाती। भगवान बोले कोई बात नहीं, लाला बन करके आ जाऊंगा। लेकिन जब दो पग में सब कुछ ले लिए और तीसरे पग रखने के लिए कोई जगह नहीं, उन्होंने बुलाया गौरव जी को, बोले उसको नाग पास बंधने में बांध दो। उनको बेटी ने देखा है तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सब कुछ हरण कर लिया, पिताजी को बांध लिया। बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को दूध क्या, मैं तेरे को जहर पिलाऊंगी। वो फिर क्या बन करके आई बोलो जोर से? ये पुतना बन करके आई। इसलिए ठाकुर जी को जगत में आना पड़ा। कितना हो गया? कितना हो गया? छह। सप्तम कारण बताए, जब भगवान दंडकारण्य में पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि तपस्वी कठोर तपस्या कर रहे थे गोपाल मंत्र में, लेकिन उनको मंत्र में सिद्धि नहीं हो रही थी। लेकिन जब राम पहुंचे, आराधना कर रहे थे गोपाल मंत्र में, गोपाल मंत्र की, लेकिन जब राम पहुंचे ना, और राम श्याम एक ही है, अभी राम को देख करके उनको श्याम किया जाए, और राम को बोले प्रभु हमें अपना पत्नी रूप में स्वीकार करो। बोले नहीं, सीता के सिवाय में और किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, फिर तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। इसलिए इस सब के सब गोपी बने और ठाकुर जी उनको स्वीकार किया। कहते वामन पुराण में आती है, जो वेद का जो ऋचा है मंत्र, ये भी एक एक मूर्ति धारण करके कृष्ण की कठोर तपस्या की। भगवान जब संतुष्ट हुए बोले वर मांगो, बोले गोपियां जैसे आपकी सेवा की है, गोपी जिस भाव से आराधना करती हैं
हमें गोपी भाव के प्रदान करो। बोले ठीक है, सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। ये वेद का मंत्र, ये एक एक गोपी, ये गोपी कोई साधारण लड़कियां नहीं है, ये कोई लड़कियां नहीं है। इसलिए कितना कारण हो गया, कितना हो गया, सात हो गया। आठवां कारण बताए, जिस समय भगवान राम जनकपुरी में गए, विश्वामित्र जी को बोले गुरु जी थोड़ी से आदेश दो, ये जनकपुरी थोड़ा दर्शन करके आ जाए। बोले दर्शन करना नहीं, दर्शन दे करके आओ। जब राम लक्ष्मण जिस गली में जाए, क्या सुंदर जोड़ी, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीताम्बर और एक नीलाम्बर पहने हुए, धनुष बाण मुकुट जैसे चंद्र सूर्य एक साथ में प्रकट हो गई, बड़ी सुंदर ठाकुर जी थे। जिस गली में जाए, बोले श्री राम लक्ष्मण की, गली गली में जय जयकार हो रही थी। जितने किशोरियां थी ना सीता जी की सहेली, कोई छत के ऊपर से, कोई झरोखे से दर्शन कर रही थी, लेकिन जो झरोखे से दर्शन कर रहे थे उनका दर्शन हो रहा था, लेकिन जो छत के ऊपर में खड़ी थी ना उनका दर्शन नहीं हो रहा था। बोले क्यों, बोले जो राम है ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कभी भी अपना सर उठा करके पराई स्त्रियों को कभी ठाकुर कभी देखे ही नहीं, वो सर नीचा करके जा रहे थे। ऊपर छत के ऊपर में जो थी ना वो दर्शन नहीं कर पा रही थी। इतने में वो जो सखियां थी थोड़ी सी खास है, मानो ठाकुर जी थोड़ा ऊपर सर करे ठाकुर का दर्शन हो जाएगा, लेकिन राम सर कभी नहीं उठा देते। पीछे पीछे लक्ष्मण चलते थे। लक्ष्मण कौन है, बोले ये गुरु जी। बोले गुरु जी का काम क्या है, बोले ये जीव को परमात्मा से मिलाए, बड़े दयालु गुरु जी होते हैं। लक्ष्मण बोले प्रभु देखो आपकी सखियां ये छत के ऊपर में खड़ी हुई है, आपको दर्शन करना चाहते हैं, थोड़ी सी उनको दर्शन दो। भगवान राम बोले लक्ष्मण ये जनकपुरी मायापुरी, खबरदार इधर उधर देखना नहीं, सर नीचे करके चलो, इधर उधर देखा देखो मत। लेकिन फिर जो सखियां थी फिर खासी, लक्ष्मण बोले प्रभु एक बार दर्शन तो दो आपका सखियों को। भगवान राम जब सर ऊपर उठाए, प्रभु का रूप देखते ही जितनी सब किशोरियां ना सबके सब बेहोस हो गई। जब उनकी होश आई सबके सब राम के पीछे बढ़ गए। बोले प्रभु राम हमें शादी कर लो, हमें शादी कर लो। राम बोले लक्ष्मण तेरे को पहले से ही मना कर रहा था, तू मानी नहीं, सब तुम शादी कर, तुमसे सब शादी कर ले। भगवान राम बोले देखो ये रामावतार में सीता के सिवाय में किसी को ग्रहण नहीं कर सकता, सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। देखो हमारे जो बांके बिहारी है ना बड़े दयालु है, कोई कुबड़ी भी आ जाए, कोई राक्षस भी आ जाए, और जिसको दुनिया में कोई भी स्वीकार करने वाले नहीं हो, अगर ठाकुर के पास में आए ना, ठाकुर जी किसी को छोड़े नहीं, ठाकुर जी सबको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हमारे बांके बिहारी बड़े दयालु है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। ये भी कारण है, कितना हो गया, आठ, अभी दस नहीं हुआ है। अभी नवमा कारण बताए, जिस समय जो आपको रामायण पता होगा, जो एक धोबिनी हो गई थी अपना पियर, आते समय बीच में एक नदी पार करना पड़ता, लेकिन हो गया था शाम, रिमझिम बारिश हो रही थी, कवट ने मना कर दी, तुम अकेली स्त्री हो, अंधकार रात में तेरे को मैं पार नहीं कर सकता। अभी उसको मजबूरी में एक रात रुकना पड़ा। जब वो दूसरे दिन आई, कवट ने पूछा पिछली रात को तुमने कहाँ रुकी, बोले ऐसे ऐसे, बोले मैं राम है नहीं, सीता को रावण उठा करके ले गया, एक साल तक लंका में रखा, और सीता वापस आई तो भगवान उसको बराबर आसन दे दिया, मैं राम नहीं हूं, जहां पर तुमने एक रात बिताया जिंदगी भर जाओ वहीं पर बिताओ। लेकिन ये केवट, ये इसको केवट को ये पता नहीं था, इसको है उसको ये पता नहीं था, रावण ने जिसे सीता को उठा करके ले गया था वो सीता थी नहीं, वो तो नकली सीता थी, मैया सीता तो जगजंबा जगजननी माँ लक्ष्मी है, कहां रावण इनको स्पर्श कर सकता था। अब लोग रामायण देखे होंगे, राम आने से पहले, रावण आने से पहले राम ये सीता को अग्नि को पास में, अग्नि की शरण में दे दिया था। बोला अग्नि जब तक मैंने ये रावण सहित राक्षस को मैं ध्वंस नहीं कर देता हूं तब तक मेरी सीता आपके पास में रहेगी, ये सीता आपकी शरण में।
वो नकली सीता थी, लेकिन उसको तो ये बात पता ही नहीं था। इतने में राम जब ये बात को सुने, उनने सीता को चिरकाल के लिए उन्होंने त्याग दिया। कहाँ त्याग दे दिया, लक्ष्मण को बोले तुम जंगल में छोड़ करके आओ, ये वाल्मीकि आश्रम में जाकर के सीता माता रुकी। जो रुकी, भगवान हर साल में एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा देखो राम, जब तक सीता नहीं हो, नियम है कोई शुभ काम करने के लिए अपना पत्नी को वाम पार्श्व में बैठा करके शुभ काम करना पड़ता है, इसलिए तेरा पिता भी तो तीन तीन शादी किए, तू और एक शादी कर ले। बोले और शादी में नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी जो सीता है ना वो पवित्र है, सीता ये पवित्र है, मैं दूसरे को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूं। इसलिए बोले और कोई व्यवस्था बताओ। बोले और एक उपाय है, आप सोने की सीता बना करके अपना वाम पार्श्व में रख करके अब यज्ञ कर सकते हो। भगवान 11,000 साल तक हर साल में एक एक सोने की सीता बनती थी, वशिष्ठ प्राण संचार करते तो सीता साक्षात हो जाती थी। इतने सीते सब गई कहां, ये सब के सब द्वापर युग में ये गोभी बन करके आए और हमारे कन्हैया उनको स्वीकार किया। कभी ये एक कारण है, कितना हो गया, 9 कारण हो गया। दसवां कारण बताए, बोले एक समय वैकुंठ से ठाकुर जी की चरण की तुलसी चंदन की खुशबू ये वैकुंठ से बहते हुए ब्रह्मलोक में आई। ब्रह्मा के 4 मानस संतान थे, सनक सनातन और सनातन सनत कुमार, ये पहले ब्रह्म ज्ञानी थे। वो भगवान को निराकार निराकार मानते थे। ब्रह्मा बड़े दुखी थे, कहा मैंने इनको जन्म दिया, कृष्ण भक्ति रस पान करनी चाहिए, पता नहीं ये कहाँ फंस गए जाकर के। लेकिन जब इनकी नासिका में तुलसी चंदन की खुशबू प्रवेश किया, ये उन्माद हो गए। बोले पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहा है। बोले ये वैकुंठ से ठाकुर जी की चरण तुलसी की सुगंधी। बोले जिनकी चरण तुलसी की इतने सुगंधी, वो कितने सुंदर नहीं होंगे। बोले हाँ बेटे। बोले पिताजी इनको दर्शन करके आए, चलो जरूर जाओ दर्शन करो। ब्रह्मा खुश हो गए। बोले क्यों। बोले अभी तक भगवान को ब्रह्म 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 कह रहे हैं ना, निरा निराकार निराकार कह रहे हैं। बोले कब तक भगवान को निराकार कहता है। बोले जब तक ठाकुर का दर्शन नहीं कर लेते हैं, जब उनको दर्शन करेंगे ना, ये सबके सब भूल करके ठाकुर जी का प्रेम में ही ये डूब जाएंगे। जब छठवां दूरी को पार कर लिए और सप्तम दरवाजा पार करने का बाद ठाकुर का दर्शन, वहां पर जय विजय ने इनकी रास्ता रोक दी। इनकी इतना क्रोध आया। बोले ये वैकुंठ है जहां पर काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, डर भय नहीं है, और हमारी रास्ता को रोक दिए, क्योंकि जय विजय सोच रहे थे पता नहीं लक्ष्मी नारायण अभी अंदर में क्या करते होंगे, ये तो बिना पूछे अंदर में घुसते घुसते जा रही है। इसलिए उन्होंने अभिशाप दिए, जाओ तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओ। इतने में रोने लग गए। ठाकुर जी अंदर से आए, बोले क्या बात। बोले ऐसे ऐसे। बोले देखो अगर तुम लोग राक्षस जन्म में जाओगे, 3 जन्मों के बाद में मेरे पास में वापस आओगे। अगर मेरे भक्त बन करके जाओगे, 7 जन्मों के बाद में मेरे वापस आओगे, बताओ क्या चाहते हो। बोले ठाकुर जी हम तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपके पास में हम वापस आ जाए। बोले जाओ फिर तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओ। वही दोनों सत्य युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। तृतीय युग में क्या बन करके आए, बोलो जोर से, रावण कुंभकर्ण। और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र। बोले कली युग में जगाई माधाई, ये दोनों बन करके आए। इसलिए ठाकुर जी इनको प्रेम प्रदान करके उनको उद्धार किया। इसलिए भगवान को इस सब कारण को लेकर के ठाकुर जी को जगत में आविर्भूत होना पड़ा। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री नंदलेश। आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे नंद की लाला बन करके प्रभु गोकुल में जन्म हुए। बोले श्री नंद बाबा का जो पिताजी थे उनका नाम था बर्जन बाबा। कहते इनके 5 बेटे थे, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन, इनके 5 बेटे थे। पहले ये नियम हुआ करता था, जब किसी व्यक्ति को 50 साल हो जाता था कोई घर में नहीं रहते थे,
सबके सब वाहन भ्रष्ट चले जाते थे। और 25 साल तक ये नियम, जैसे अभी बच्चे लोग स्कूल कॉलेज में 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, पहले ये सबके सब गुरुकुल में जा करके गुरु जी की चरण में रह करके वेद उपनिषद पुराण जितने सारे ग्रंथों को अध्ययन करते थे। उसको बाद में गुरु जी प्रश्न करते थे, बोले बेटा अभी बताओ अभी तुम क्या चाहते हो। अभी जो व्यक्ति ये शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करके उनको पता चलता था ये जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है, 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार जीवन दिया, ये जीवन बारंबार नहीं मिलेगा, ये मुक्ति की दरवाजा पर खड़े हुए हैं, अगर ये जीवन को विषय भोग करा करके अगर जीवन को बिता देंगे फिर हमें ये 84 लाख जन्म फिर जन्म भटकना पड़ेगा। अभी जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता था बोलते थे गुरु जी हम तो अब की चरण में रह करके भगवान की भक्ति करते हुए अपना मुक्ति मार्ग को हम प्रशस्त करना चाहते हैं। लेकिन जिनको ज्यादा ही संसार में आसक्ति होता था, बगैर शादी के रह ही नहीं सकते हैं, गुरु जी कहते थे बेटा जाओ अपना घर में जाओ, जा करके अपना धर्म कर्म के अनुरूप अपना जात के अनुरूप शादी करना, ऐसे नहीं अपना मनमर्जी शादी कर ले जहां था, पहले ये सब चीज नहीं होती थी है? जैसे अपना वर्ण धर्म के अनुरूप जहां शादी करेंगे वहीं पर शादी करते हुए और दोनों मिल करके भगवान की भक्ति करो। लेकिन कब तक भक्ति करोगे, बोले 50 साल तक, घर गृहस्थी 50 साल तक करो, संतान को जन्म दो, उनको लालन पालन करो, उसको बड़ा बनाओ, बड़ा बनाकर शादी शुदा करके उसको बाद में जब 50 साल हो जाए ना फिर घर में नहीं रहना, इसलिए एका बन और बा बन, ये बन बोले वृंदावन जाओ, अभी घर में नहीं अभी वृंदावन जाओ, इसलिए एका बन बावन तेपन चौवन ये बन 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 शब्द, इसलिए भागवत में बताए 50 ऊर्ध्व वनम् ब्रज, 50 साल के बाद में वृंदावन में रह करके भजन करनी चाहिए हैं वृंदावन में। उसको बाद में क्या आता है 68 60 61 62, अगर भजन करने नहीं जाओगे ना फिर तुम सठिया बन जाओगे, फिर भक्ति बना बड़ा कठिन है, फिर 69 70, कल मैं बता रहा था ना, इसलिए हाँ तुम तर सकते हो, बोले 60 शुद्ध 70 संगत पाई, अगर किसी भाग्य से हमें कोई शुद्ध संतों का दर्शन हो जाए, अगर उनकी कृपा हो जाए ना फिर तुम तर सकते हो, इसलिए 69 70 71 फिर तुम तर सकते हो। इसलिए जब अब रामायण भी आप देखे होंगे, जब दशरथ महाराज ने शीशा में देखा उनकी एक बाल पक गया है, उनकी एक बाल पक गया, बोले और नहीं रहनी चाहिए, बोले ऊपर से वार्निंग आ गया है, ऊपर से वार्निंग आ गया, ऊपर जाने का समय हो गया, भैया अभी भजन करने के लिए चलो। इसलिए उन्होंने राम को राज्याभिषेक करके जाना चाहते थे, वानप्रस्थ जाना चाहते थे, भगवान जिस काम के लिए हमें ये मानव शरीर दिया है वो मुक्ति की द्वार है, ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति की द्वार पर हम खड़े हुए। इसलिए एक दिन श्री परिजन बाबा ने 5 बेटे को बुलाया, बोले देखो बच्चों तुम लोग बड़े हो गए हो, शादी हो गई, तुम लोग घर गृहस्थ में ठीक ठाक हो, हम चाहते हैं दोनों पति पत्नी हम जाकर के भजन करें, हम भक्ति करें। बच्चे बोले कोई पिताजी कोई बात नहीं आप जाकर भजन कर सकते हो। बोले सबसे बड़े बेटे को मैं राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। बड़ा बेटा ने कहा पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्यता ये नंद में, क्योंकि समस्त राजा का गुण इसके अंदर, मझला बेटा श्री नंद को अंदर में, इसलिए कहते ना नंद मतलब क्या है, आनंदयत इति नंद, सबको जो आनंद रखे सबको जो खुश रखे, क्योंकि जो राजा होता है प्रजा को अपना पुत्रवत पालना करनी चाहिए तभी कोई राजा बन सकते हैं। सबके सब प्रजा खुश हो गए, बोले सही बात है। तब उन्होंने नंद बाबा को राज्याभिषेक करते हुए उन्होंने भजन करने के लिए चले गए। अभी 4 भाइयों का तो बच्चा है लेकिन केवल नंद बाबा का बच्चा नहीं, इसलिए परिजन बाबा ने नंदगांव में एक शंकर जी जिनका नाम आशीश्वर महादेव, उन्होंने आशीश्वर महादेव को पूजा की, बोले हे आशीश्वर महादेव आप कृपा करो मेरे मझिला बेटा का एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। आकाशवाणी हुई, बोले महाराज आप चिंता मत करो आपके ऐसे बेटा का बेटा होगा ना
विश्व ब्रह्मांड में जिनके नाम ख्याति होगा, और तुम्हारी जो कुल की, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तेरा कुल की जय जयकार होगा, साधारण बेटे होने वाले तुम्हारी नहीं, आकाशवाणी हुई। इसलिए उनका नाम आशीश्वर, मतलब जिन्होंने आशीष आशीर्वाद दिया है। एक दिन नंद यशोदा सोच रहे थे, हम लोगों ने जितने यज्ञ व्रत तपस्या तीर्थाटन सब कुछ कर लिए, घर में एक लाला का जन्म हो, लेकिन अभी तक लाला का जन्म नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमने एक व्रत नहीं किया। बोले कौन सा व्रत? बोले पुत्रदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी व्रत हमने नहीं किए है, चलो हम दोनों पुत्रदा एकादशी व्रत को रखते हैं। जब उन्होंने एकादशी व्रत को रखे, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा बड़ा सुंदर स्वप्न देखा, सुंदर आकाश में चमचमाते हुए एक नीलमणि जैसे संतान, उसको पीछे बिजली जैसे चमकती हुई एक सुंदरी कन्या है। ये दोनों नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किए, और नंद बाबा के हृदय से होकर के उन्होंने यशोदा की गर्भ में प्रवेश किए, और मैया यशोदा ने सुंदर बालक को जन्म दी, और मैया यशोदा की गोद में एक सुंदर नीलमणि जैसे एक बालक स्तन पान कर रहा है। करते समय उनको दोनों धारों से ये दूध बह रहा था, वे तो ये इनकी कुर्ता भीग रही थी। मैया यशोदा ने क्या स्वप्न देखी, उसको पीछे एक सुंदर बालक मां 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 करते करते आ रहा है, कपड़ा खींच कर बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मेरे को दूध पिला दे, मचल रही थी। और उसी रात को ही ये मैया यशोदा ने गर्भ धारण करी, और सारा ब्रज में हल्ला हो गया, भैया नंद के लाला होने वालों है, बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी जितने गोपियां थी ना, कहते छह छह महीना पहले सबके सब 84-84 गज के लहंगा और चुंदरी बना करके रखे, बोले नंद के लाला होगा तो हम इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। और जितने गोप लोग थे धोती बगलबंदी टोपी बना करके रखे, बोले हम इसको पहन करके हम सबके सब बधाई देने के लिए जाएगी। अभी मैया यशोदा गर्भ धारण की हुई, लेकिन पहले तो मशीन था नहीं, बेटा होगा ना बेटी होगी, लेकिन पहले कुछ लक्षण से बड़ी बूढ़ी बता देती थी, बोले मैया यशोदे बोले तेरे लाला होने वाला है। बोले पता कैसे चला? बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, मतलब ये तुम्हारी बेटा होने वाला है। एक बड़ी बूढ़ी गोपी बोली, बोले तुमने कुंवारी पड़ी में जुड़मा केले तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले ऐसे लगता है तुम्हारी गर्भ में दो बच्चे हैं, सचमुच कृष्ण और जोगमाया थी। जब गर्भ में बच्चे हो, माताओं को चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं, मिर्च मसाला खट्टा ये सब चीज अच्छी लगती हैं। मैया यशोदा बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है, तब बड़ी सुंदर खीर बना करके सालक राम जी को भोग लगाए और मैया यशोदा को खीर खिलवाए। और एक होता है गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार मतलब होता है गर्भ में बच्चे रहते समय माताओं को रामायण सुनाओ, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर कहानी सुनाओ, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर फोटो दिखाओ, क्योंकि आप जैसे देखोगे जैसे सुनोगे ना, आपको पेट में जो बच्चा उसको ऊपर में ठीक वैसे संस्कार पड़ेगा। अगर गर्भ में बच्चे रहते हुए उल्टा पुल्टा फिल्म देखोगे, गंदी गंदी पिक्चर ना, वो बच्चा फिर गुंडा बनकर जन्म लेगा, वो गुंडा बनकर के जन्म लेगा, फिर पिता माता की कभी आदर नहीं करेगा, पिता माता की बात कभी नहीं सुनेगा। अगर गीता रामायण भागवत पढ़ोगे वो कैसे, बोले लव कुश जैसे संतान, प्रहलाद जैसे ध्रुव जैसे गर्भ से बच्चा जन्म ग्रहण करेगा। मैया यशोदा को सुंदर सुंदर ठाकुर जी की फोटो दिखाते हैं, सुंदर सुंदर ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं मैया यशोदा को, ऐसे लग रहा था। और मैया नंद बाबा की एक बहन थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो तो 6 महीना पहले से आकर घर में जम करके बैठी गई। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भवती, जब बेटा होगा ना मेरे को नवलाल का हार मिलेगी, इसलिए 6 महीना पहले आकर घर में बैठी गई। हाँ, घर का सारे काम काज को खूब भाग दौड़ करके सारे काम काज को कर रही थी, और ऐसे लग रहा था माना आज रात को ही लाला की जन्म हो जाएगा। बोले एक काम करो, 2 घंटा 2 घंटा का ड्यूटी लगवा दो, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2। अभी 8 से 10 बजे तक बोले भैया
ढोलकी लो और मजरा लो, मजरा लेकर क्या करो, ठाकुर की सुंदर सुंदर कीर्तन करो। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधार हरि गोविंद जय राधार हरि गोविंद जय राधार हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधारानी की जय महारानी की जय गिरधारी की जय वनवारी की जय बोलो वर्षा निवारी की जय जय बोलो वर्षा निवारी की जय 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 बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की बोले 8 से 10 बजे तक जिनको ड्यूटी लगवाई वो तो ड्यूटी की, लेकिन 10 से 12 बजे तक जिनको ड्यूटी लगाए इतने में जोग माया आकर के सबको सुला दी। कहाँ चिमटा गिरा, कहाँ मजरा, कहाँ ढोलकी, किसको पता ही नहीं। कब श्री वसुदेव महाराज आए मथुरा से बेटे को लेकर के, और यहाँ पर जो जन्म दो बच्चे जन्म हुए, कृष्ण और जोग माया। और यहाँ पर जो कृष्ण जन्म हुए थे वो पूर्ण कृष्ण है, मथुरा की जो कृष्ण वो अंश कृष्ण, वो अंश कृष्ण को पूर्ण कृष्ण एक कर दिए। लेकिन राता रात श्री वसुदेव महाराज को पता ही नहीं चला। उनने सोचा मैंने अपना बेटे को रख करके मैं आ गया और बेटी को लेकर के मैं आ गई हूँ। सबके सब सोए पड़े हुए निद्रा में, मोह निद्रा में, एकदम सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा की आंख खुली, देखा सबके सब सोए पड़े हुए, किसको ज्ञान होश आवास नहीं। बोले भैया भाभी का क्या हालत है। उनने दरवाजा खोल करके देखा मैया की गोद में नीलमणि जैसे एक बच्चा किलकारी मारते हुए खेल रहा था। बोले भैया भाभी की बच्चा कब हो गया, किसको पता ही नहीं चला। ये सबसे पहला श्री नंद बाबा को खबर देनी चाहिए, मेरे को नवला की हार मिलेगी। बोले भैया कहाँ है, ढूंढते ढूंढते जब ब्रह्मांड घाट में पहुंची देखा नंद बाबा तो माला जप कर रहे थे, माला जप हो नहीं पा रहा था। वो सोच रहे थे घर में छोरा कब है गो, लाला कब है गो, छोरा कब है गो, यही जप कर रहे थे। इतने में सुनंदा ने जाकर के बोलते, बोले भैया कमाल है गए हो। इतना बोलते तो नंद बाबा छलांग लगा दी। बोले बहन कहा भयो है। बोले पहले तो बताओ क्या मिलेगा, 6 महीना पहले आकर मैं बैठी हूँ, है 6 महीना पहले आकर मैं बैठी हूँ, पहले बताओ मुझको मिलेगा क्या। बोले ने ये नवला की तो हार ले ले। बोले भैया और क्या मिलेगा। बोले नवला का हार तो दे दिया है। बोले भैया बात बहुत तो बड़ी बात है ना, इसलिए पहले और क्या दोगे बोलो। बोले जमुना किनारे में जितने जमीनी जगह थे तेरे नाम पर लिखवा दिया, इस सारे को तुम मालिक बन जा। बोले और क्या दोगे। बोले दिया तो
नवला की हार दे दिया जमुना किनारे में सारे जमीनी जगह पे लिखा दिया तभी तेरा पेट नहीं भर रही है। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है। बोला और क्या दोगे? बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी काटे तू ले ले, जो इच्छा खोल करके ले लेना, लेकिन ये बता तो सही घर में कहा भयो है। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद बाबा तो वही सही दौड़ लगाए। ब्रजवासी बोले बाबा जीवन में पहला बार तुम लाला का मुख दर्शन करोगे, अरे कम से कम सद्धज करके तो जा। बड़े सुंदर बगल में दी धोती टोपी, हाँ उनको पगड़ी गले में माला सुंदर तिलक लगा दी। बोले बाबा देखो कैसे लग रहे हो? बोले भैया बढ़िया तो लग रहे हो, लग रहा हूँ, लेकिन एक चीज की कसर रह गई। बोले किस चीज की? बोले जो दाढ़ी थोड़ी सफेद है। बोले चिंता क्यों करते हो? उसको भी कलर कर देते हैं, उसको भी काली बना दी। बोले बताओ अभी कैसे लग रहे हो? बोले भैया चोखो लग रहा हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ। बोले जा अभी लाला का मुख दर्शन करो। नंद बाबा एक घर में संतान हो, उनने ऐसे कोई धर्म कर्म नहीं जो नंद बाबा ने किया नहीं, क्योंकि भविष्य में राजा कौन बनेगा। लेकिन जब पहला बार उन्होंने लाला का मुख दर्शन किया, मन मन में संकल्प की ब्राह्मण और संतों को मैं 20 लाख गैया में दान दूंगा और 7 तिल का पर्वत। तिल दान का बड़ा महत्व है, इसलिए 7 तिल पर्वत मखमल बल कपड़े में ओढ़ करके संत ब्राह्मण को दान दूंगा। ये संतो ब्राह्मण के आशीर्वाद से जीवन में मैंने पहला बार लाला को मुख दर्शन किया है। पहले उनको बुलाओ और उनसे आशीर्वाद बच्चों को दिलाओ, और जितने ब्राह्मण संत आकर के स्वस्ति वाचन पढ़ करके लाला को आशीर्वाद दे रहे थे। एक नाई को भेजा, बोले जा पूरा ब्रज में ढिंडला पिटवा दे, नंद के लाला भैया सबके सब मेरे लाला को बधाई देने के लिए आए। जितने गोपियां वो तो 6-6 महीना पहले से ही 84 गज की लहंगा चुंदरी बना कर रखे थे। जब सुना नंद के लाला भाई और राजा, अभी हमारे राजा जन्म लिया, सबके सब गोपियां सुंदर सुंदर साड़ी चुंदरी और पूरा सर से लेकर पैर तक सुंदर अलंकार से श्रृंगार करते हुए दूध दही मक्खन को लेकर के सबके सब भागते भागते आ रही थी। और आते समय जो कान में कुंडल पहन रखी थी वो कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम लोग को पहुंचने से पहले मेरे को छोड़ दो, सबसे पहले मैं जाकर के लाला को दर्शन करके बधाई दूं। चोटी में जो सुंदर सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार की थी, एक एक फूल गिरते गिरते इनके चरण में गिर रही थी। बोले क्यों? बोले जो लोग नंद के लाला को बधाई देने जा रही है उनकी चरण की पूजा करनी चाहिए। अगर चोटी में रहेंगे तो खोल करके जमुना में बहा देंगे, अगर ब्रज रज में मिलेंगे, जब कृष्ण बड़े होकर के गली गलियों में प्रभु मक्खन चोरी करेंगे, ठुमुक ठुमुक करके चलेंगे, ठाकुर जी की चरण की स्पर्श हमें मिलेगा। वो गिरते गिरते जा रहा था, जितने गोपियां थी ना सबके सब जा करके मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। मैंने बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो बधाई हो, ठीक है? बोले मैया जसोदा बधाई हो। कुछ कुछ माताएं तो बोल रही हैं और कुछ माताएं चुप हुई थी, ऐसे नहीं सबके सब। और एक बार जोर से बोले मैया जसोदा बधाई हो। मैया बोली बधाई हो ब्रज की गोपियों, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बुढ़ी उम्र में भी मैंने लाला को मुख दर्शन किया है। लाला मेरो नहीं, ये लाला तो तुम लोग को लाला है। और जितने माताएं हैं ना हृदय से कृष्ण को बधाई दे रही थी। बोले जुग जुग जियो रे जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो तेरो ललना मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे जसोदा मैया तेरो ललना। मैं अभी बधाई आएंगे।
इसलिए उन्होंने सबके सब हृदय से बच्चे को आशीर्वाद देते थे। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, नियम है अगर सचमुच से माताओं का हृदय से अगर बच्चों के लिए अगर आशीर्वाद निकले ना, कद अगर तुम्हारी ललाट में कोई उल्टा पुल्टा कोई चीज हो, अगर आप सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छो और सचमुच से उनके हृदय से आशीर्वाद निकले, ब्रह्मा जो यहाँ पर उल्टा पुल्टा अगर होना वो मिट जाती है। इसलिए शास्त्र में बताया जो सवेरे उठ करके पिता माता को चरण छूते हैं, सास ससुर के चरण छूते हैं, कहते उनको चार चीज की प्राप्ति होती है, बोले बाल ऐश्वर्य जस और श्री, कहते ये चार चीज उनकी प्राप्त होती है। इसलिए नियम है सवेरे उठ कर क्या करो, अपना जो पिता माता सास ससुर की चरण छूनी चाहिए। अभी तो कोई चरण छूते नहीं, खड़े खड़े होकर उनको गुठन से ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं प्रणाम, ऐसे नहीं नियम है। अब देखना कोई बच्चा गुठन को ऐसे कर प्रणाम करे, लेकिन सचमुच से कोई माँ की चरण में गिर करके प्रणाम करे, देखना उसी समय माँ के हृदय से वो हृदय से आशीर्वाद निकलेगी। और ऐसे गुठन को ऐसे कर दिया ना, हाँ निकलेगा, लेकिन हृदय से नहीं निकलेगी, वो ऊपर ऊपर से आशीर्वाद देगी। इसलिए सबके सब माताएं हृदय से भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे हैं। इतने में सारे ब्रजवासी तो आ गए, अभी दो व्यक्ति अभी तक आए नहीं। बोले कौन? बोले एक वृषभानंद महाराज और कृतिका सुंदरी। ये कौन है? राधा रानी की पिता और माता। बोले अगर ये दोनों आ जाए ना, फिर तो ये उत्सव का हम प्रारंभ करेंगे। और देखते देखते सचमुच से कृतिका सुंदरी और वृषभानंद महाराज दोनों प्रवेश किए, राजा रानी है प्रवेश किए। और कृतिका सुंदरी 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके और सर के ऊपर में दूध की मटकी, दही की मटकी और मिश्री मक्खन की मटकी, घी की मटकी लेकर के प्रवेश की। जब प्रवेश की, अभी नंद महोत्सव प्रारंभ होगा, ब्रजवासी किया कि लठिया लेकर के मटकी को मारे, मारते ही वो मटकी तो फूट गई और कृतिका सुंदरी दूध दही से स्नान कर ली। जब स्नान कर ली, एक दधिकादि होता है, दधिकादि मतलब है दही में हल्दी और उसमें घी मिला करके एक दूसरों के ऊपर लगाते हैं, ये मंगलवाची है। इसलिए एक दूसरों के ऊपर लगा रहे थे और बोल रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा। सबके सब गा रहे थे और मक्खन की डेले को डेले एक दूसरों के ऊपर में फेंकते जा रहे थे। एक 100 साल की माता जी थी, उसकी एक भी दांत नहीं, वो तो ऐसे देख रहे थे मुंह खोल करके। बोले भैया बड़े जोर के नंद महोत्सव है रहे। एक गोप ने उठाया मक्खन की डेला और वो माता जी की मुंह को लक्ष्य करके मारे। उसको तो एक दांत थी नहीं, उसको मुंह में लगा तो अंदर में सीधा सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में तो कोई भूखे नहीं रहते हैं, हैं? और वहां कीच कीच हो गया, एक दूसरों के ऊपर में फिसल फिसल कर गिर रहे थे। हमारे श्री कवि कर्णपुर बड़ा सुंदर वर्णन किया, बोले नंद बाबा का महल राज महल है, उनका आंगन बहुत बड़ी आंगन, इतने दूध दही मक्खन लाए थे, पूरा आंगन आंगन भर गया था दूध दही मक्खन से, लग रहा था मानो जैसे एक खीर समुद्र प्रकट हो गया। अभी जितने ब्रजवासी थे ना, नंद बाबा तो बैठ करके मटक मटक करके देख रहे थे। कुछ नंदगांव बरसाना के कुछ गोप लोग बोले, नंद बाबा आज तेरे घर में लाला भयो है, देखो सारे ब्रजवासी नाच रहे गा रहे, और तू तो बैठी बैठी करके देख रहे हो, अरे कम से कम आज का दिन तू तो नाच ले। नंद बाबा को पकड़ करके ना वो बीच में ले आए, नंद बाबा को पकड़ करके और चारों तरफ में दूध दूध। नंद बाबा देखने में कैसे बड़े लंबे चौड़े और गौरव वर्ण के थे, इनकी कमर में एक सुंदर फेटा बंधा हुआ था, फेटे को एक तरफ में नंदगांव के गोप, दूसरे तरफ में बरसाना का गोप, दोनों तरफ में पकड़ रखे। देखो कितना सुंदर वर्णन किया,
कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये लवण समुद्र देवता दैत्य मिलकर के मंथन किया। देवता कौन है? रजोगुणी। दैत्य कौन है? बोले ये तमोगुणी। और वहां से कितने रत्न निकला? बोले 14 रत्न निकला। और श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं, हे नंद बाबा कत रामा क्रीडान अभूत नृप। जब कृष्ण जन्म हुए, नंद बाबा इतने हीरे जवाहरात को लुटा रहे थे, ब्राह्मण लोग तो गठली बांध करके ले नहीं पा रहे थे, गठली की कोने से हीरे जवाहरात गिरते 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 जा रहा था, पूरा अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखरा हुआ लग रहा था, ऐसे मानो कृष्ण जन्म देने पर स्वयं माँ लक्ष्मी गली गलियों में माँ लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही है, ऐसे लग रहा था। इसलिए सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं, जब कृष्ण जन्म हुए उसी समय में 33 करोड़ देवता लोग भी आए थे और नंद महोत्सव का दर्शन करने के लिए। भोले बाबा भी आए थे वहां पर, भोले बाबा श्री शंकर भी आए थे। शंकर जी का वाहन कौन है? बोलो, शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी। अभी शंकर तो चक्कर में पड़ गए, बोले क्यों? बोले नंद बाबा ने 20 लाख गैया उन्होंने दान दी। अगर 20 लाख गैया अगर दान दे, शंकर तो डर गए, बोले क्यों? बोले भैया इतने गैया दान दे रहे हैं, हो ना हो मेरे जो नंदी को अगर गैया मान करके दान दे देंगे ना, मेरी बहन चली जाएगी, फिर मैं बैठ करके किसी में जाऊं। शंकर जी क्या किया उन्होंने, नंदी को पूछ को पकड़ कर खड़े हुए, पूछ को पकड़ कर खड़े हुए, मेरे नंदी दान में नहीं चली जाए। वहां पर माता पार्वती भी आई थी, कहते पार्वती को भी 2 लाला है, कौन कौन है जोर से बोलो, कार्तिक और गणेश, 2 लाला है। कहते ना हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा इतने हाथी घोड़े दान दे रहे थे, मैया बोली भैया मेरे लाला भी तो गजानन है जिसका सर हाथी जैसे, ऐसे नहीं हाथियों को दान देते देते भूल से अगर मेरे बेटे को हाथी मानकर दान दे देंगे, फिर लाला ही मेरा चला जाएगा। उन्होंने तो गणेश जी को गोद में उठा करके बड़ी जोर से चिपका करके खड़ी हुई थी। कहते वहां पर स्वयं स्वर्ग से सारे धन दौलत की खजाना जिसको पास में है, कौन है जोर से बोलो, कौन है? कभी धन कुबेर भी आया था वहां पर महोत्सव को देखने के लिए, लेकिन नंद बाबा इतना धन दौलत हीरे जवाहरात दान दे रहे थे, यहाँ पर कुबेर भी उनका सर झुक गया, बोले ठाकुर जी मेरे को झूठ मूठ का क्यों, स्वर्ग की सारे संपत्ति का मालिक मेरे को क्यों बनाए? बोले क्यों, आज नंद बाबा इतने धन दौलत लुटा रहे हैं, भैया मेरे पास में भी इतने धन दौलत है नहीं। यहाँ प्रश्न होता है, क्या नंद बाबा इतने धन दौलत लुटाए, स्वर्ग में जो कुबेर है वो लज्जित हो गए, धन दौलत आया कहाँ से? बोले जब श्री कृष्ण जन्म हुए ना, वहां पर स्वयं भगवान की जो लादिनी शक्ति, उनकी स्वरूप शक्ति, उनकी जो पराशक्ति स्वरूपिणी श्री राधा रानी, जो सर्व लक्ष्मीमयी, वो साक्षात प्रकट हो गई, राधा रानी प्रकट हो गई। बोले आज इतने धन दौलत जैसे लूटे, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक याद करेंगे मेरे बांके बिहारी की जन्म उत्सव में नंद बाबा ने कितना दान दिए। आप लोग रामायण सुने होंगे, जब राम बरात आई अयोध्या से, जब उन्हें जनकपुरी में प्रवेश किया, देखा गांव के बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते थे, जो शौच क्रिया के लिए जा रहे थे ना, सोने की लोटे में पानी ले जा रहे थे, जो ब्रूस थी वो सोने की थी, और उनको जो भोजन कराया गया, वर्णन आती है, सोने की प्लेट, सोने की कटोरी, सोने की ग्लास, और एक बार खाओ डस्टबिन में फेंक दो, वर्णन आती है। अयोध्या वासी तो तरस उठे, बोले सोने की कटोरी, सोने की बाटी, सोने की ग्लास, और एक बार को डस्टबिन में फेंक दो। उनको इच्छा हो रहा तो भैया कुछ उठा के ले जाए, लेकिन भैया अगर फिर हमारी भगवान राम की बदनामी नहीं हो। बोले कारण क्या? बोले कारण है वहां पर माँ लक्ष्मी स्वयं, कौन है? श्री सीता देवी वहां पर
इसलिए रिद्धि सिद्धियों को आदेश दिए, अयोध्या वासियों को ऐसे स्वागत किया है, जब तक दुनिया रहेगा तब तक उन्होंने हैं ऐसे उनको प्रशंसा करे। श्री जनक महाराज ने श्री दशरथ महाराज को कैसे उन्होंने स्वागत की है, उसी तरह यहाँ पर मां लक्ष्मी सर्व लक्ष्मी वही श्री राधा रानी यहाँ पर ब्रज में। इसलिए ब्रह्मा स्वयं कहते हैं बोले चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या भृत सुरभि रभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसम् भ्रमसे भ्यमानम् गोविंदं मादि पुरुषम् तमहंग भजामि। ये पितामह ब्रह्मा ये वृंदावन की ऐश्वर्य को वर्णना करते हैं। बोले वृंदावन का भूमि कैसे, बोले चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगो तुम्हें वही मिलेगा, जो मांगो वही मिलेगा। वृंदावन के वृक्ष कैसे, बोले वृक्ष नहीं वो कल्प वृक्ष, जो मांगो वृक्ष से तुम्हारी सब इच्छाओं को पूरी कर देगी। बोले वृंदावन की पानी कैसे, बोले पानी नहीं तो अमृतम, वहां का पानी अमृत है। और वहां पर जो गैया कैसे, बोले गैया नहीं सबके सब काम धेनु। ये विश्वामित्र को पास में, हाँ श्री वशिष्ठ को पास में काम धेनु था। अब सुने होंगे जब श्री विश्वामित्र सैन्य सामंत लेकर के आए, हजार हजार घोड़ा हाथी, कितने सैन्य सामंत है, एक कामधेनु ने ऐसे उनको स्वागत की, ऐसे स्वागत की जिसको देख करके विश्वामित्र चकाचौंध रह गए। बोले एक कामधेनु गैया की भी इतने प्रभाव है। इसलिए वृंदावन में जितने गैया हैं सबके सब कामधेनु, श्री वृंदावन में गैया सब कामधेनु हैं। इसलिए वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं, इसलिए इतने स्वागत की गई। लेकिन सबके सब वहां पर नाच रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सबके सब नाच रहे थे। लेकिन केवल एक व्यक्ति नाच नहीं रही थी, बोले कौन, बोले श्री रोहिणी, जो श्री बलदेव प्रभु का जो माँ। बोले वो क्यों नहीं नाच रही थी, बोले वो थी हैं कहती है प्रसिद्ध भत्रिका। बोले प्रसिद्ध भत्रिका का मतलब क्या होता है, ध्यान रखकर सुनो, कहती है क्यों नहीं नाच रही थी, कहते वो थी प्रसिद्ध भत्रिका। बोले प्रसिद्ध भत्रिका का तात्पर्य क्या है, ये चीज को समझो। बोले जिसका पति विदेश में हो और दुख में। बोले पति कौन, बोले वसुदेव। बोले कहां पर, बोले मथुरा में। बोले किस रूप में, बोले कंस कारागार में बैठा है। जिसका पति विदेश में कारागार में बैठा हुआ हो उसकी पत्नी कभी सबको सामने नाचेगी, कभी वो नाच नहीं सकती है। इसलिए रोहिणी बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई थी। और श्री बलदेव प्रभु जब से जन्म हुए तब से वो आंख बंद करके जन्म हुए, कहते इनके मन में इच्छा है सर्वप्रथम जब मैं आंख खोलूंगा सबसे पहले मैं अपना प्रभु कृष्ण को दर्शन करूंगा, इसी भाव से वो आंख बंद किए हुए। नंद बाबा ने देखा मेरे लाला की जन्म महोत्सव में यहाँ पर सबके सब तो नाच रहे गा रहे, लेकिन रोहिणी कहाँ है, ये रोहिणी की कहाँ गई। नंद बाबा ढूंढते ढूंढते देखा रोहिणी तो दुखी होकर घर में बैठी हुई। नंद बाबा बोले रोहिणी मेरे को पता है तू प्रसिद्ध भत्रिका, तेरे पति जेल में है, घर में तो तुम दोनों स्त्री हो, एक जसोदा एक तुम हो। जसोदा तो अभी बच्चे जन्म दी, घर का काम काज देख नहीं सकती, अभी तो तुम्हें तो देखना पड़ेगा घर का काम काज को, और कम से कम अरे लाला को तो आशीर्वाद देकर क्या इतना तो करो। तो उन्होंने श्री बलदेव प्रभु को लेकर गए और कृष्ण को पास में लेटा दी। जब लेटा दी अभी तक बलदेव प्रभु आंख बंद किए हुए थे, लेकिन कृष्ण को पास में लेटा थे इतने में उन्होंने आंख खोल दी। जब आंख खोल दी रोहिणी इतने खुश इतने प्रसन्न हो गई, कहते अभी तक मेरे लाला आंख बंद करके रखा था, आज का दिन उन्होंने आंख खोल दिए, उनकी आनंद की सीमा नहीं रही। फिर तो वो भी ठुमुक लगा करके नाचना शुरू कर दी। बोले श्री नंद के लाला की बढ़िया बढ़िया जय जय श्री राधे, जो बधाई सुन लो कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, के लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है।
जुने हैं रही जे जे कार नंद घर लाला जायो है रही जे जे कार नंद घर लाला जायो है ओ लाला जायो है खुश हो रहा है कि नहीं, किसको किसको आनंद आ रहा है? लगता है आपका आनंद नहीं आ रहा है। आनंद आता है ना, कम से कम खड़े होकर के नाचते कहते भगवान की जन्म उत्सव में जो नाचेगा ना उसको 84 लाख जन्म में नाचना बस। और देखो हमारे माता जी को देखो, सबसे ज्यादा उम्र की सबसे पहले खड़ी होगी। अरे सब जो खड़े हो जाओ, देखो ठंडा हो रही है, थोड़ी सी नाच लगे ना शरीर में गर्मी आ जाएगी। Thank you.
Thank you.
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री राधे। सबके सब बैठ जाओ। हरे कृष्ण। देखो अभी हम लोग मथुरा चलते हैं। मथुरा में क्या हुआ, जब श्री वसुदेव महाराज कृष्ण को रख करके जोग माया को ले आई, अंदर में प्रवेश करते ही जोग माया ना माया ने रोना शुरू कर दी। पहरादार जग गए। कंस को बोले तेरे काल जन्म ले लिया। कंस भागते भागते आया, देखा बेटा नहीं बेटी। देवकी बहुत प्रार्थना की, मेरे तुमने छह छह बच्चों को मार डाले, कम से कम एक बेटी को छोड़ दे। लेकिन आकाशवाणी क्या हुई थी,
उसमें ये नहीं बताया था बेटा होगे ना बेटी होगे, उसमें ये बताया था अष्टम गर्भ का संतान त्रिकाल बनेगा, लेकिन ये नहीं बताया था बेटा नहीं तो बेटी होगी, क्यों? नहीं तो कंस को भी शंका हो जाता, अगर बेटी को देखता ना वो बोलते क्या बोलता, बोले बताया था बेटा बेटी कैसे हुई, इसलिए केवल संतान का नाम ली थी। इतने में वो थी जोग माया, क्यों? देवकी की गोद में थी, कंस स्पर्श करते ही राक्षस है ना वो हो गई महामाया। जब उसने पकड़ करके पछाड़ने के लिए गया, कंस को चरण की एक ठोकर मार करके आकाश में चली गई, कंस तो वहीं पर गिर पड़ा जैसे बिजली लगी, बोले रे मूढ़ कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले लिया। देखो ये भी सही बात बताया, क्योंकि कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं, कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए है, कृष्ण तो जन्म गोकुल में हुए है, इसलिए उनकी कंस ने देखा भैया ये तो मेरी आराध्या देवी, ये तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, फिर क्या देवता लोग मेरे साथ में धोखे दी। बड़ा दुखी हुआ, देवकी के पास में गिड़गिड़ाते हुए बोले देवकी बहन मेरे को पता नहीं था ये देवता लोग भी झूठ बोलेंगे, मैंने बेकार तेरे छह छह बच्चों को मार डाला, लेकिन ये देवी कहती है मेरे शत्रु और कहीं जन्म ले लिया, तो मैं तो तुम्हारा बच्चों को बाहरता नहीं, लेकिन देवकी को पता है मेरे बेटा तो गोकुल में सुरक्षित है, मेरे बेटा गोकुल में है। इतने में कंस ने अपना अनुजाई त्रिनाभर्त सकटासुर पुतना अघासुर को बुलाए, बोले बताओ मुझे अभी क्या करनी चाहिए। पुतना बोली भैया मेरा नाम ही पुतना है, पुतना पुत माने पुत्र ना मतलब नहीं, मेरा नाम ही पुतना, फिर पुत्र का क्या जरूरत है, मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ, कहीं अगर तेरा काल जन्म लिया तो एक महीना अंदर में तो जन्म लेगा। बोले हाँ, बोले मेरे को आदेश दे सारे बच्चों को मैं मार डालूंगा, पुतना घर घर में जा करके, किसी घर में बच्चा नहीं जिंदा रहते, पता नहीं कब कैसे प्रवेश करके मार डालती, सारा दुनिया में सबके सब भयानक स्थिति हो गई, बोले किसकी घर में कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता है। अभी वो आई गोकुल में, जब गोकुल में आई तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले पुतना कालभातिनी कंदना प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी। कहती है पुतना जब गोकुल में आई, सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते हैं पुतना का और एक अर्थ है, पुत मतलब होता है पवित्र और ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र वो राक्षसी। कहते भैया ये राक्षसी कहाँ प्रवेश करती है, बल नजत्र सबरा दिनी रख्य ज्ञान सोतर बसु, जिस घर में प्रभु का नाम कीर्तन हो ना उसी घर में ये पाप प्रवेश नहीं कर सकता, क्यों? भगवान का नाम मंगल भवन अमंगलारी। आपका घर में रोज रोज थोड़ा कीर्तन करना, जितना घर का जितने दुख कष्ट आपदि विपत्ति सब खत्म हो जाएगी, घर में उल्टा पुल्टा ग्रह कभी प्रवेश नहीं करेगा, क्यों? ठाकुर का नाम कीर्तन हो रहा है। कहते वहीं पर ये अविद्या पाप प्रवेश करती है जहां पर भगवान का कीर्तन भजन नहीं हो, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं आनंद कंद भगवान कृष्ण स्वयं, पर ये पुतना कैसे आ गई? तब हमारे टीकाकार लोग कहते हैं भैया ये पुतना है ना एक तरह से ठाकुर को लीला को मदद करने वाले। आप बताओ रावण नहीं होता तो रामलीला बनता कभी, कंस नहीं होता तो कृष्ण लीला कभी बनता? बनता नहीं। इसलिए जिन जिनियों को हम शत्रु देख रहे हैं वो एक तरह से भगवान का लीला को मदद कर रहे हैं। अगर ये पुतना नहीं आती फिर कथा हम सुनते बैठ कर गया, कहती है ठाकुर जी की इच्छा है पुतना आई यहाँ पर। जब पुतना आई वो बड़ी सुंदर लड़झड़ श्रृंगार करके आई थी, ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ से उतर करके आ गई ठाकुर को स्वागत करते हुए। कुछ गोपियां जा रही थी नंद भवन में बधाई देने के लिए, तो जा रही थी उनको साथ में हिल मिल करके वो सीधा अंदर में चली गई। उसी समय मैया जसोदा और रोहिणी कृष्ण को पलने में झूला रही थी और बोल रही थी बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग। अभी गोपियां बड़े सुंदर बधाई गा रही थी, मैया जसोदा श्री रोहिणी सीधा पुतना गई, कोई बोल चाल नहीं कृष्ण को पकड़ लिए, बोले मैया मैया इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलना में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। लेकिन जसोदा रोहिणी कुछ बोल नहीं सकी, बोले क्यों नहीं बोली?
कोई अनजान व्यक्ति आपका घर में आए, अपना बच्चों को गोद में उठा लेगी कि आप बोलोगे नहीं कुछ। कद ये पुतना देखने में इतने सुंदर थी, मैया जसोदा सोच रही थी मेरे लाला जितने सुंदर है ना, इसकी मैया बनने का लायक तो यही है। मतलब इतने सुंदर ही बन करके आए, सुंदर क्यों बन करके आई थी, कोई रोकेगा नहीं ठोकेगा नहीं, इसलिए वो सीधा अंदर में जब पकड़ ली, पकड़ करके जब गोद में उठा ली, इतने में कृष्ण आंख बंद कर दिए। बोले आंख क्यों बंद किए, हमारे टीकाकारों ने इसका पीछे इतने रहस्य बताए, इसमें 10 कारण बताए कृष्ण आंख क्यों बंद किया। मैं आज 5 कारण बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा जो मेरे को बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, कृष्ण आंख क्यों बंद किए। हम लोग ध्यान देकर सुनना, कल सबको मैं पूछूंगा, जो बोलेगा देगा ना उसको कल मैं बढ़िया इनाम दूंगा, ठीक है। इसका इसका पहला कारण है कृष्ण आंख बंद क्यों किए। बोले पहला कारण बताए, बोले कृष्ण आए क्यों, बोले परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। इसलिए भगवान आए दुष्टों को संहार करने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए। अभी प्रभु सर्वप्रथम श्री गणेश करने जा रहे, सबसे पहले प्रभु पुतना को मारे, अभी श्री गणेश करने जा रहे, सबसे पहले उसको मारेंगे, लेकिन मारेंगे तो प्रभु, लेकिन वो तो माँ के रूप धारण करके आए, कृष्ण को प्यार दे रही हैं। बोले मैया इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलना में झुलानी चाहिए, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए, माँ की भाव से पकड़े। यद्यपि कृष्ण दुष्टों को संहार करते हैं, लेकिन बड़े दयालु हमारे ठाकुर जी, हे कृष्ण करुणा सिंधु, ठाकुर तो करुणा की सिंधु है, वो तो दया की सागर है, जितने भी मारने जा रहे हैं लेकिन तब भी ठाकुर जी दयालु सोच रहे हैं, ये तो माँ के रूप धारण करके आए, जब मैं मारूंगा अभी ये छटपट छटपट करेगी, अब इसका दुख को मैं कैसे देख सकता हूँ जो माँ के रूप धारण करके आए, इसलिए ठाकुर जी आंख बंद कर दी। ये पहला कारण। दूसरा कारण है कृष्ण सोचे तू बच्चों को मारने के लिए आई, तेरे को पता है ये ब्रज में सब बच्चे कौन है, मेरे सखा सखी है, कहीं ललिता कहीं विशाखा कहीं चंपकलता कहीं तुगो विद्या, मेरे सखा दाम वसुदा मधुमंगल सुबल मेरे सखा जन्म हुए हैं, मेरे सखा सखियों को मारने के लिए आए हो, तेरे मुंह में देखना नहीं चाहता। इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, अपना आंखों को उनने बंद कर दिया। कितना कारण हो गया, अब लोग गिन नहीं रहे, कितना हो गया, मैं सबको कल पूछूंगा, देखूंगा कौन उत्तर देता है। इसका तीसरा कारण बताए कहते बच्चों का एक स्वभाव देखना, अगर अपना परिचित किसी व्यक्ति हो ना, घर का कोई सदस्य हो, देखना वो आसानी से गोद में चला जाता है, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति तो देखे ना सहज में गोद में जाना नहीं चाहता है, वो डर जाता है। बोले ये दारी के कहां से आ गई, इसको तो हमने कभी देखो ही ना कभी, ये कहां से आ गई। इसलिए मान भगवान ने उसको उन्होंने आंख को बंद कर दिया। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण बताए उस तन में कालकूट जहर लेकर के आई थी, जब भगवान उसको पान करेंगे गर्भ में सारे जहर जाएगा, लेकिन भगवान की उदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, विश्व ब्रह्मांड घबरा गए प्रभु, इसकी स्तन में केवल जहरी जहर है, अगर आप पान करोगे ना आपका गर्भ में विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, इसलिए हे प्रभु आप मत पियो इसका स्तन को, घबरा गए। इतने में कृष्ण आंख बंद करके श्री भोले बाबा को बोले, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आओ। बोले क्यों, बोले क्यों किया, तेरा काम है विष पीना, मेरा काम है दूध पीना, इसलिए तू तो जहर जहर विष विष को पी ले और मैं दूध दूध को मैं पी लेता हूँ। इसलिए भगवान आंख बंद करके भोले बाबा को बुलाए। पंचमा कारण बताए कृष्ण सोच रहे हैं भैया ये है कौन, क्योंकि कहते यद्यपि समाधि सु विधिर पश्यति न तव नघाग्र मरिचीन, जिन चरणों को पाने के लिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश निरंतर ध्यामे, लेकिन जिस भगवान को पाप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जिनकी चरण की नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन ये पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की भगवान को गोद में ले रहा है। इसलिए ठाकुर जी आंख बंद करके उसको पूर्व जन्म को सोच रहे थे, ये क्या कर्म की कौन सा पुण्य की। बोले सचमुच से ये पुण्य की। बोले क्यों, भगवान जब वामन अवतार में बलि महाराज का घर पर पहुंचे, उनकी बेटी जो रत्नमाला थी वो मन मन में सोच रही थी अगर ऐसे के लाला होता है ना, दिन भर में गोद में लेकर इसको मैं प्यार करती। भगवान बोले कोई बात नहीं लाला में नहीं जाऊंगा,
लेकिन जो दो पग में सब कुछ लेकर के तीसरे पग रखने के लिए जगह नहीं, उन्होंने उनको नाक पास बंधन में बांध दिए। और बेटी कह रही बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सब कुछ हड़प लिया, फिर मेरे पिताजी को बांध भी दिया, बोले अगर तुम मेरे बच्चा बन करके आओगे ना, तेरे को स्तन क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। बोले कोई बात नहीं, लाला बन भी जाऊंगा, तेरे जहर भी पी लूंगा। इस सब कारण से भगवान कृष्ण आंख बंद किए। अभी जब उनको स्तन में मुंह में स्तन दी, भगवान ने क्या किया, उसको प्राण को शोषण की, केवल 6 दिन का बच्चा पुतना देखी ये क्या कर रहा है, ऐसे लग रहा जैसे मेरे प्राण को शोषण कर रहा है। पुतना ने छुड़ाने के लिए कोशिश की, भगवान ने बोले देखो मैं सहज में किसको पकड़ता है ही नहीं, अगर एक बार किसी को पकड़ लू ना, अभी तक तो मैंने किसको छोड़ा ही नहीं, जब तक अपना चरण में नहीं पहुंचा दूंगा तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तू स्वयं मेरे पास में आई और मेरे को गोद में लेकर इतने प्यार दी, मैं कभी तुमको छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकती। जब उसने छोड़ी नहीं, अभी सोच रही है किसी तरह से मैं अपना भैया कंस को पास में चली जाऊं, मेरे भैया कुछ व्यवस्था करेगा। इतने में आकाश में पुतना उड़ चली, भयंकर रूप थी उसकी। जब उड़ चली बोले कहां जा रहे हो, मेरे पास में आकर मथुरा भर जाओगे, नहीं जाने दूंगा। कंस का एक सुंदर बगीचा थी, सबसे सुंदर बगीचा जिसमें फल फूल से भरा पड़ा हुआ, लेकिन कंस का निर्देश था यहाँ की कोई भी फल फूल किसी ब्रजवासी और भगवान की सेवा में नहीं लगनी चाहिए। कहाँ लगनी चाहिए, मेरे और मेरे जितने अनुजाई ना, ये जितने सबके सब अगास और बकास और त्रिनावर्त, इनको मिलनी चाहिए, कोई ब्रजवासी भगवान को नहीं मिलनी चाहिए। ठाकुर जी ने सोचा आप देखो दुनिया बनाया मैंने, दुनिया मेरा, मैं दुनिया बनाया क्यों, मेरे भक्तों लोगों के लिए मैंने बनाया, मेरे लिए बनाया, मेरे को और मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा और जितने दुष्टों को मिलेगा, इसलिए जोग माया ने उनको उड़ा कर उसी बगीचा में लेकर के धड़ांग करके उन्होंने गिराया, सारे पेड़ पौधा को तसनस कर दिया। बोले श्री रामचंद्र प्रभु की जय, आ जाओ ब्रह्म जी, इसलिए उन्होंने सारे पेड़ पौधा को उन्होंने तसनस उन्होंने कर दी। देखो हमारे जो टीकाकार लोग बहुत इसको पीछे बहुत अच्छी बात बताते हैं। देखो आप लोग तो 7 दिन तक कथा सुनोगे, लेकिन कम से कम आज इतनी सी शिक्षा लेकर जाना यहाँ से। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद
Krishna Krishna Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna देखो 7 दिन तक हम कथा सुनेंगे। आज आप लोग एक चीज साथ में लेकर के जाना, बोल क्या लोगे? हमारे श्री जीव गोस्वामी इसको पर टीका लिखते हैं। ये पुतना को उन्होंने ये बगीचा पर क्यों ले गए? लेकिन ये ब्रजवासियों का कोई भी थोड़ी सी भी चीज उनको नुकसान ही नहीं पहुंची, लेकिन कंस का पूरा के पूरा उसका सबसे प्यारा बगीचा उजड़ गया। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण है ये जो दुनिया को ठाकुर ने बनाया। उपनिषद कहता है ईसा वास्यम इदम सर्वम जत किंचा जगता जगत। ये जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं ये ठाकुर ने बनाया, हमने कोई चीज नहीं बनाई। नियम है हम जो कुछ खाए सबसे पहले ठाकुर को भोग लगाओ। बोले तेना तेक तो ना भगवान को सामने तुलसी पता देकर सबसे पहले ठाकुर को भोग लगाओ, भोग लगा करके फिर भगवान का प्रसाद पाओ। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन प्रसादे सर्व दुखानाम हनिरस उपजायते। जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाता है उसका जीवन का सब दुख खत्म हो जाता है भगवान कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेरे को भोग नहीं लगाएगा, बोले भुंजन्ते तु अघम पापा, वो केवल पाप भोजन करता है जो मेरे को भोग नहीं लगाता है। इसलिए नियम है ठाकुर को हर चीज भोग लगा करके खाया करो। कौन कौन भोग लगाते हो? कौन कौन भोग लगाते हो? जो लोग लगाते हो अच्छी बात है, और जो लोग भोग नहीं लगाते हो कोशिश करना आज से ठाकुर जी को जरूर भोग लगाए। हम लोग कहते हैं ना भगवान को प्रसाद, भगवान को भोग लगाने पर कमी नहीं रहता है, भगवान का कभी कमी नहीं पड़ता है, प्रसाद बढ़ जाती है। आप लोग ने सुदामा का नाम जानते हो, ये सुदामा पहले इतने गरीबी क्यों बना फिर बाद में ये धनी क्यों बना? कारण क्या? बोले कारण है आप लोग देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे
इनको गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया था। बोले सुदामा कृष्ण को देख करके चाना खाई हो, लेकिन आप लोग देखे होंगे वो कृष्ण को बिना दिए छुपा छुपा कर उसने खाए। कृष्ण बोले मेरे को छुपा छुपा कर खा रहे हो, इसका तेरे को फल भुगतना पड़ेगा। इतने दरिद्र उसने बना। जब उसकी पत्नी को पता चला इनकी बचपन का सखा कृष्ण, बोले एक बार आप कृष्ण दर्शन करके आओ। बोले खाली हाथों में नहीं जानी चाहिए। उनने दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए। ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए। जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मणी हाथ पकड़ी, बोले नहीं प्रभु आपने दो मुट्ठी खा लिया इसको घर में सारे ऐश्वर्य पहुंच गई, अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे ना इसकी घर में मेरे को दासी बनना पड़ेगा। जब सुदामा घर में आया सोने की महल उसकी पत्नी राज रानी बनकर के बैठी हुई। शिक्षा देते हैं अगर हम भगवान को भोग लगा कर खाएंगे ना घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। क्यों? हर चीज हम पैसा से खरीदी करते हैं, पैसा लक्ष्मी, पैसा हमारी नहीं पैसा ठाकुर जी की। अगर वो ठाकुर जी को सेवा में अगर लक्ष्मी लग जाती है ना फिर तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आशीर्वाद देती बेटा खूब फलते फूलते रहो। अगर लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगी ना भले ही घर में करोड़ रुपया आ जाए वो घर में शांति सुख नहीं देंगे, क्योंकि लक्ष्मी को हम भोग करना चाह रहे हैं लेकिन लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी को लक्ष्मी है। ठाकुर को सेवा में लगेगी तभी लक्ष्मी खुश रहती है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा लगा देगी, नहीं तो कोई बहुत बड़ी बीमारी लगा देगी, नहीं तो कोर्ट कचहरी लगा देगी, नहीं तो घर में अशांति फैला देगी। क्यों? वो लक्ष्मी ठाकुर जी की, वो ठाकुर को सेवा नहीं लग करके ये हमें, हम उसको भोग करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग इतना इस चीज लेकर के जाओ, हमारे तो अक्सर करके यहाँ पर भक्त लोग है ये तो लगाते हैं। जो लोग ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हो जरूर ठाकुर को भोग लगाओ, लेकिन कभी कभी हम कहते हैं हम तो भोग लगाते हैं। बोले कैसे? बोले खुद तो प्याज लहसुन खाते हैं और ठाकुर को थोड़ी बातासा नहीं तो थोड़ा दूध धर देते हैं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे जैसे आपका घर में कोई नौकर है, वो नौकर बढ़िया बढ़िया खाना बना बना कर खाता है लेकिन मालिक को जैसे तैसे बना कर खिला देता है। अगर मालिक को ये बात पता चले तो मालिक क्या करेगा? नौकर को घर से निकाल देगा घर से। बोले रह रहे हो मेरे घर में, सब कुछ खाते हो मेरा और मेरे को जैसे तैसे बना कर दे देते हो और तू चकमाल रोज रोज घोट रहे हो, ऐसे नहीं होनी चाहिए। और एक चीज, अगर हम प्याज लहसुन डालेंगे फिर भोग नहीं लगा सकते हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए जैसे प्याज लहसुन हम नहीं खाए। कल हम सुन रहे थे ना प्याज लहसुन किसकी कैसे बनी, ये दत्ते की मांस से ये प्याज बना, उसकी हड्डी से ये लहसुन बना, उसका खून से ये मसूर दाल बनी है, हैं? ये तीन चीज पाप चीज है, इसलिए नवरात्रि में 9 दिन तक ये प्याज लहसुन को कोई ग्रहण नहीं करते। इसलिए कोशिश करना इस घर से प्याज लहसुन निकल जाए, शुद्ध रूप में बने और भगवान की भोग लगे। जो पुतना का शरीर को जब जलाया गया उसको शरीर से चंदन कर्पूर अगुर की खुशबू निकली है, और जो दूर दूर में थे उनको ऐसे लग रहा था कि स्वर्ग लोगों से ना कोई वरुण लोगों से ये खुशबू आ रहा है। सबके सब ब्रजवासी वहां पर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया। देखो यहाँ पर हमारे टीकाकार कहते हैं कृष्ण ये 6 दिन में क्यों पुतना को मारे, कृष्ण ये 6 दिन में ही कृष्ण पुतना को क्यों मारे, इसका क्या रहस्य? इसका रहस्य बताए, पहले नियम होता था जो कोई बच्चा जन्म होता था कम से कम 21 दिन नहीं तो 1 महीना तो घर से बाहर नहीं निकालते थे, घर में अशुद्धि रहता था, घर में कंडा जला करके बच्चों को सिखाई करते थे। ये तो हमारे गांव में मैं जो चीज देखा है 21 दिन तक 1 महीना तक अपवित्र रहते थे, हैं? उसको स्पर्श नहीं करते थे। जब कृष्ण गोकुल में जन्म हुए अभी पूरा ब्रज में हला हो गया, अंदर में केवल माता ही जा सकती थी, पुरुष लोग तो जा ही नहीं सकते थे। कृष्ण जब जन्म हुए ब्रज में हला हो गया, क्या सुंदर बालक जन्म लिया, देखने में तो काले हैं लेकिन दुनिया को आलो करने वाले, क्या उनकी आंखें, क्या उनकी नाकें, इतने सुंदर कृष्ण थे। अभी जितने ब्रजवासी तरस रहे थे ये कृष्ण दर्शन कब मिलेगा, कृष्ण हमें दर्शन कब देंगे, लेकिन घर में सब नहीं प्रवेश कर सकते, सभी घर में प्रवेश नहीं कर सकते लेकिन तरस रहे थे।
अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रजवासी तो तरस रहे हैं मेरे को दर्शन देने के लिए, दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन करे कैसे। उन्होंने पुतना को बुलाया और पुतना क्या कि वो तो स्त्री थी, घर में गई और कृष्ण को पकड़ कर घसीटा बाहर निकाल दी। जो बाहर निकाल दी जितने ब्रजवासी थे सबके सब वहां पर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर उन्होंने भगवान को दर्शन कर लिया और इनकी सभी के हृदय में तसल्ली, सबके सब प्रसन्न हो गए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए कृष्ण सबसे पहले पुतना को मारे। आप लोग बताओ तो भगवान राम सबसे पहले किसको मारे, कौन बोलेगा जोर से बोलो, बोलो भगवान राम किसको सबसे पहले मारे, ये तारका को। कृष्ण किसको मारे, ये पुतना को। देखो दोनों प्रभु करी करी बराबर उन्होंने शिक्षा दिया है। बोले पुतना का मतलब क्या है, बोले पुत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र है। ठाकुर जी शिक्षा देते हैं मेरे को हृदय में कोई बैठना चाहते हो पहले पुतना को मारो हैं। और भगवान राम ने तारका को मारे, बोले तारका मतलब क्या, बोले तारा अति इति तारका, जीव को जो तारण करे, तारण मतलब भगाए। हमें संसार में कौन भगा रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यही हमें संसार में भगा रहे हैं। इसलिए दोनों प्रभु कर करके एक लीला की, ताड़का, देखो तीन अक्षर, पुतना, ये भी तीन अक्षर, पुतना स्त्री, ताड़का भी स्त्री है। इसलिए दोनों ठाकुर एक ही लीला करते हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मा ने, हम पहले श्रवण कर रहे थे ये पुतना को, अंदर में सारे दुर्गुण दुर्गुण था। पहले नंबर में तो थी पुतना मतलब जो पवित्र नहीं, दूसरे नंबर में राक्षसी, तीसरे नंबर में कृष्ण के लिए जहर लेकर के आई थी, चौथी नंबर में बच्चों को खून पी रही थी। लेकिन इतने बड़े पापी को ठाकुर जी कहाँ स्थान दे दिया, बोले गोलोक वृंदावन में स्थान दे दिया उनको, गोलोक वृंदावन में ठाकुर स्थापन दे दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते अगर कोई ठाकुर जी को श्रद्धा पूर्वक अगर थोड़ी भक्ति करे पर ठाकुर जी उनको क्या नहीं दे सकते हैं। इसलिए भक्ति करना तो किसको भक्ति करो, बोले भगवान कृष्ण को, वाक्य बिहारी को ही भक्ति करनी चाहिए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य दिन है, हमारे बीच में हमारी जो रमण बिहारी गौरी मठ है, ये रमण बिहारी गौरी मठ के जो हमारी जो इंचार्ज है, वहाँ की जो सेक्रेटरी हमारे श्री रामचंद्र प्रभु जी, ये जैसे हमारी एक माँ जैसे बच्चों को देखभाल करती हैं, जैसे हम लोग जो विदेश जाते हैं सब इनकी कृपा से जाते हैं, और हमारे सारे मठ को ये बहुत अच्छे तरह से हमारे सोसाइटी को जैसे माँ बच्चों को देखभाल करती, प्रभु ऐसे हम लोगों को ये देखभाल करते हैं। और इनका हृदय तो इतने दयालु, इतने कृपालु, जो सोच भी नहीं सकते इतने इनके हृदय दयालु। प्रभु जी हमारे जो बड़े गुरु जी थे उनको इतने सेवा प्रभु ने की, सारे नौकरी खोकरी सब छोड़ छाड़ करके हैं, सब कुछ इन्होंने श्री गुरु जी की चरण में दे करके संपूर्ण जीवन उन्होंने गुरु जी की उन्होंने सेवा की इन्होंने। इसलिए आज कृपा करके प्रभु जी हमारे बीच में प्रधार हैं, प्रभु जी हम लोगों को कुछ अच्छी अच्छी उपदेश प्रदान करेंगे जैसे हम भक्ति मार्ग में चल सकते हैं। श्री रामचंद्र बोले माइक के तुम्हें माइक है वहाँ पर माइक वहाँ पहुँचेगा नहीं पहुँच सकता माइक अज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने शिशिमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम ओदारे मधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक बार फिर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मंच व्यास आसन पे आसीत पूज्यपाद भक्ति वेदांत सीधे महाराज जी के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। मैंने पढ़ा था कि भक्ति देवी स्वतंत्र होती है। जैसे भगवान कृष्ण स्वतंत्र हैं वैसे भक्ति भी स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की ही शक्ति है, स्वरूप शक्ति की एक किरण है। इसे शास्त्रों में वृत्ति बोलते हैं। वृत्ति मतलब नेचर है। स्वरूप शक्ति की जो नेचर है वही भक्ति है। किसकी स्वरूप शक्ति? भगवान कृष्ण की। तो जैसे भगवान वैसे ही उनकी। भगवान स्वतंत्र सम्राट निरंकुश वैसे ही उनकी शक्ति भक्ति सौराट स्वतंत्र निरंकुश मर्जी से आएगी मर्जी से जाएगी। करने वाला तैयार होना चाहिए परिस्थिति का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो मैं आज जो सुना था वो देख रहा हूं। कहते हैं दिल्ली में पिछले 100 साल में इतनी ठंड नहीं पड़ी लेकिन भक्ति का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इन्होंने पार्क में बैठाल कर भक्ति सबको प्रदान करा दी है। हम ये नहीं मालूम उस तरफ क्या है पर इस तरफ तो ये है कि दिल कर रहा है कि टोपी उतार दो, इतनी गर्मी आ गई है। ये भक्ति की गर्मी है। महाराज मेरी तारीफ कर रहे थे वो धनिये के पेड़ पे चढ़ जा ऐसी तारीफ भली करेंगे राम। मुझे ध्यान आया एक बार गुरु महाराज जी ऐसे ही मेरी तारीफ करते थे। उनका स्वभाव ऐसे ही था। कभी कभी दोष भी दिखाना होता ना तो तारीफ कर देते थे। गुरुदेव का स्टाइल ऐसा था, तारीफ से पिटाई कर देते वो। तो मेरी तारीफ कर रहे थे तो मैंने मजाक में कहा महाराज जी मुझे ना एक घटना याद आ गई है। क्या घटना याद आ गई है कि एक बार ना एक छोटी सी चिड़िया जो गोरैया होती है ना गोरैया चिड़िया और गोरैया चिड़िया और गरुड़ जी उनके बीच में बहस चढ़ गई। चिड़िया कहती है तुम मेरे जैसे नहीं उड़ सकते हो। गरुड़ जी कहते अरे छोटी सी बच्ची तू मेरे से कंपटीशन करती है, तू मेरे से मुकाबला करना चाहती है। तो बोलती है वो कहती है कर लो आप उड़ ही नहीं सकती मेरे बराबर। अब जी उन्होंने आपस में शर्त लगा ली। अब शर्त क्या लगाई? यहां से
50 किलोमीटर दूर एक पर्वत है, उसकी शिखर पे कौन पहले पहुंचे? अब जी रेडी स्टेडी गो हो गया। जैसे गो हुआ तो चिड़िया फुर करके उड़ी। तब तक गरुड़ जी ने अपना पंख फैलाया। चिड़िया के उड़ने के समय से उन्होंने पंख फैलाया, और पंख फैला के जैसे ही उड़ने लगे तो चिड़िया उनके कंधे पे चढ़ गई, उन्हें पता ही नहीं चला। और जब वो पर्वत पे पहुंचे तो चिड़िया एकदम फुर करके उड़ के चीची चीची करने लगी, मैं पहले पहुंच गई, मैं पहले पहुंच गई, मैं पहले पहुंच गई। तो गुरु महाराज जी बड़े जोर से हंसे। मैंने कहा महाराज जी मैं तो आपके कंधे पे चढ़ा हुआ हूँ, अब मैं जहां भी हूँ वो उसी ऊंचाई पे हूँ जो आपका कंधा है। आप जितनी तारीफ करो तो वही हमारे पूज्य श्रीधर महाराज, उन्होंने ये स्टेज सजाई, सर्दी को गर्मी में परिवर्तित करवा दिया और मुझे बुला लिया और फिर मेरी तारीफ कर रहे हैं। आहा, ये बड़े दयालु। हाँ जी बड़ा दयालु। क्या कोई कुछ भी गड़बड़ करे मैं किसी को कुछ कहता ही नहीं हूँ, दयालु हूँ ना मैं, यही मेरा अनुशासन है। क्या अनुशासन है? कुछ कुछ भी करे मैं कुछ कहता ही नहीं तो वैष्णव लोग ऐसे ही होते हैं, सबको अपने कंधे पे चढ़ाकर फिर उसकी तारीफ करते हैं, तुम्हारी ऊंचाई बड़ी अच्छी है। हूं तो नहीं मैं किसी काम का, फिर भी समय का फायदा उठाने का कला सीख रहा हूं मैं। ये समय आप लोग यहाँ बैठे हैं, माइक मेरे हाथ में है, बोलते जाओ जो मर्जी है बोलना। देखो श्रीमद् भागवत में जिसका हम श्रवण कर रहे हैं, एक कथा आती है कि एक राजा थे, उनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, लेकिन बच्चा नहीं था, संतान नहीं थी। और एक ऋषि आए उनके पास उनको भक्ति का उपदेश देने के लिए। तो ये कहती है भक्ति भक्ति की बात तो छोड़ो, आप मुझे बच्चा दे दो, एक संतान दे दो। हजारों नहीं लाखों की संख्या में उनकी पत्नियां थी पर बच्चा एक भी नहीं था। ये पहेली है, बतलाओ कौन था वो राजा हैं? अरे वाह, फ्रंट लाइन को तो मालूम है, पीछे से कोई आवाज ही नहीं आई। कौन था वो राजा? राजा चित्रकेतु। राजा चित्रकेतु का वो बच्चा उससे बहुत अटैच हो गया। क्यों? क्योंकि उस महात्मा ने बड़ी मुश्किल से वो बच्चा दिया राजा को, तो कुछ तो कहते हैं शायद वो महात्मा ही बच्चा बन के आ गए। और बाद में नारद जी और महात्मा दोनों ही राजा के पास आए, वो इसलिए आए कि वो बच्चा मर गया। मरा किस लिए? बहुत सारी पत्नियां रख लेने का फायदा कितना होता है ये इस भागवत में दिखाया। लोग तो समझते हैं ज्यादा बीवियां उतनी ज्यादा खुश, देख लो कितने खुश। हम कृष्ण की नकल करते हैं, कहते हैं उनकी 16,108 रानियां थी और अभी तक बनती जा रही हैं, पता नहीं कितनी हो गई होंगी। मीराबाई जैसे पत्नी बनके उनके पास जा रही हैं, तो उनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है। तो कोई उसकी नकल करे तो कितना खुश होगा। तो देखना राजा चित्रकेतु का क्या हाल हुआ है। बच्चा एक पत्नी से हुआ, वो एक पत्नी से अटैच हो गए, बाकियों को भूल गए। बाकियों ने मिलके उस बच्चे को मार दिया कि यही कारण है, ये बच्चा ही कारण है जो राजा हमसे जुदा हो गया, हमारा देखभाल नहीं करता। अब देखो जैसे ही बच्चा मरा तो वो बड़ी जोर जोर से रोने लगा। मैं एक छोटी छोटी इसमें बातें बतला रहा हूं। पहली तो बात ये हो गई पत्नियां कितनी होनी चाहिए। अब दूसरी बात,
जब वो राजा बड़ी जोर जोर से रोने लगा तो नारद जी और वो ऋषि अंगिरा ऋषि दोनों साथ साथ आ गए और नारद जी ने फिर उस लड़के को जिंदा कर दिया। और लड़का कहता है महाराज आप मुझे क्यों यहाँ खींच के ला रहे हो, मैं बहुत अच्छी जगह पहुंच गया हूँ। तब राजा की आंखें खुली, मैं जिसके लिए रो रहा हूँ वो खुद ही यहाँ नहीं आना चाहता। तो फिर उसने नारद जी से शिक्षा ली। इसका मतलब है भक्ति की शिक्षा तब शुरू होती है जब पहले आप रो। रो का मतलब समझे ना, जब आपके दिलो दिमाग पे एक बहुत जबरदस्त चोट पहुंचती है, संसार की चोट पहुंचती है, बच्चा मर गया इतनी बड़ी चोट पहुंची, वो रो रहे हैं। अब उस रोती हुई चिलखती हुई छटपटाहट में एक कमल का फूल खिलता है जिसे कहते हैं भक्ति। उसमें कमल का फूल खिला, हंसते खेलते नाचते कूदते खाते पीते हैं हट्टे कट्टे रहे और करोड़ों में खेले, उसमें नहीं कमल का फूल खिलेगा। राजा भरत थे, बहुत अच्छे राजा थे, भक्ति करते थे, काफी ऊंचाई पे पहुंच गए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सारा राजपाट छोड़ दिया, जंगल में चले गए, फिर उन्होंने भक्ति की। मतलब यह है कि भक्ति करने के लिए संसार की जितनी भी ओढ़नियां हैं वो उतारनी पड़ेंगी, उनको ओढ़ के रखेंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। अभी और इससे शिक्षा लेनी है। वो राजा चित्रकेतु नारद जी से उन्होंने दीक्षा ली, संकर्षण जी का मंत्र लिया, उनके भक्त बन गए और बहुत ऊंचे पहुंच गए। कितने ऊंचे पहुंच गए, शिव जी के लेवल तक पहुंच गए, उनकी स्थिति इतनी ऊंची हो गई, शिव जी के लेवल पे पहुंच गए। तो शिव जी पार्वती जी के साथ लेक्चर दे रहे थे, और कैसे लेक्चर दे रहे थे, तो पार्वती जी को अपनी गोदी में बैठा के वो लेक्चर दे रहे थे और सामने ऋषि लोग बैठे थे, शायद नारद जी भी हो उनके सामने, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े ऋषि लोग, किसी ने भी उनको टोका नहीं कि पार्वती जी को गोदी में बैठा के क्यों लेक्चर दे रहे। किसी महात्मा ने तो यहां तक कह दिया कि जब पार्वती जी भगवान का नाम लेने लगी तो शिव जी ने कहा कि जो भगवान का नाम लेता है उसको मैं एक नाम लेता है उसको मैं तीन बार प्रणाम करता हूं, तुम तो अब लगातार नाम ले रही हो, तुम्हारी स्थिति तो मेरे से भी ऊपर है। तो पार्वती का आसन अपने से ऊपर करने के लिए उन्होंने गोदी में बैठा लिया ताकि पार्वती जी का आसन जो है वो उनसे ऊपर हो जाए। खैर कैसे भी समझ लें हम, उन्होंने कह दिया राजा चित्ररथ जो इस तो, क्या नाम है राजा चित्रकेतु राजा चित्रकेतु, तो राजा चित्रकेतु नहीं हो रहे, महाभक्त चित्रकेतु हो गए। क्या कहा कि ये कोई कथा करने का नियम है जैसे आप कर रहे हो? शिव जी चुप रहे और पार्वती जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया जा तू असुर बन जा। वो असुर बन गए, कौन से असुर बन गए, हैं वृत्तासुर बन गए। अब जब वो वृत्तासुर बने और इंद्र उन्हें मारने आया तो अब वहां बैठकर उस असुर योनि में वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अरे भाई तू क्या चाहता है, बोलते मैं चाहता हूं ये इस असुर योनि से निकल जाए। फिर तू मेरी भक्ति चाहता है ना, बोलते नहीं अब आपकी भक्ति नहीं चाहता। क्यों, आपकी भक्ति करके देख लिया, क्या देखा असुर बन गया, तो भगवान की भक्ति करता था ना, तो क्या हुआ असुर बन गया, आप लिहाज नहीं करते। फिर अब आप मुझे अपने भक्तों की भक्ति करवा दो, अब मैं ये चाहता हूं कि आपकी भक्ति नहीं
आपके भक्तों की भक्ति में करो। उनके चरणों का मैं दास बना रहा हूं, किसी भी अवस्था में मैं पहुंचे हूं तो आपके भक्तों की भक्ति करूं। अब देखो ये छोटी सी घटना श्रीमद् भागवत में हमें शिक्षा दे रही है। क्या शिक्षा दे रही है? कि अगर आगे बढ़ना है तो भगवान की भक्ति से भी ज्यादा किसकी भक्ति चाहिए? भगवान के भक्तों की भक्ति चाहिए। प्रहलाद महाराज भी अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि हमें भगवान के भक्तों की भक्ति चाहिए। कपिल देव भी यही कहते हैं कि भक्तों के चरणों की धूल से स्नान करो। तो ये पूरे के पूरे 9 अध्याय 9 स्कंद श्रीमद् भागवत के जो आप लोग परसों से सुनते आ रहे थे, कल ही हुआ है कृष्ण का जन्म मेरे ख्याल है ना, तो परसों तक वही सुन रहे थे, उसमें हमको श्रीमद् भागवत ये शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है? कि भाई कृष्ण भगवान है, कृष्ण की भक्ति करनी है, पर उस भक्ति को करने का मात्र एक उपाय है उनके भक्तों की भक्ति करनी, उनके चरणों में लोटपोट हो जाना है। तो वही तो मैंने गुरु महाराज जी को कहा, गोरैया किसके कंधे पे बैठ गई? वो गरुड़ जी के कंधे पर बैठ गई, और बैठकर जहाँ जहाँ वो पहुँचा, गरुड़ जी पहुँचे वहाँ पे वो पहुँच गई। इसी तरह से अब हम वैष्णव के कंधों पे तो नहीं बैठ सकते, ये तो बड़ी समस्या है, बड़ा मुश्किल काम है। तो चरणों के कंधों पे बैठे, चरणों के भी कंधे होते हैं, चरण में ज्यादा फ्लैट जगह मिल जाएगी, बैठने का स्थान भी मिलेगा। चरणों के कंधे पे बैठ जाओ तो आदमी जहां जहां उनके चरण जाएंगे वहां वहां वो जाएगा सीधा। मैंने गुरु महाराज जी को एक बार कविता लिखी, कविता तो याद नहीं, मैंने कहा महाराज जी आपके चरणों से लिपट जाना चाहता हूँ। भजन गाते हैं ना, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, तो पहले तो मैं भी चाहता था कि आपके चरणों की धूल बन जाऊं, लेकिन अब उस तरफ मन नहीं जाता। तो गुरु ने पूछा क्यों? बोलते आप पैर धोगे तो धूल भाग जाएगी, अगर चरणों की धूल बन गया तो आपने पैर धोए और धूल निकल गई, बात जमेगी नहीं। फिर दिल करता है कि आपके जूते बन जाऊं, शूज बन जाऊं, आप पहन के जाओगे जहां भी जाओ आप उसे पहने रखोगे। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया कि यही प्रार्थना करता हूं, हे गुरुदेव आपके मैं चरण पादुका बन जाऊं। लेकिन फिर मन उदास हो गया, क्यों? आप जब अपने कमरे में जाओगे, मंदिर में जाओगे तो वो पादुका भार उतार दोगे, वो अंदर तो जाएगी नहीं, ये भी बात बने नहीं, मजा नहीं आया। कविता लिखी थी, कविता में मैंने बोला था, और फिर मैंने कहा दिल करता है फिर मैं आपके मोजे बन जाऊं, वो तो आप पहने रखोगे, फिर मंदिर में जाओगे तो वो भी साथ जाएंगे, बिस्तर पर बैठोगे वो भी साथ जाएंगे। पर फिर बोला नहीं, गर्मियों में तो उतार ही दोगे मोजे भी, मोजों का भी क्या फायदा, मोजे भी आप गर्मियों में तो उतार ही दोगे, चरणों का सहारा कैसे लिया जाए? मैंने बोलते फिर क्या बनना चाहते हो? इनका गुरुदेव आपके चरणों के तले के नीचे सौभाग्य रेखा है, वो रेखा मुझे बना दीजिए। एक तो सौभाग्य की रेखा और संत चरण तल में हमेशा बनी रहेगी, या आपके अंगूठे के ऊपर छोटा सा रोया है वो रोया मुझे बना दीजिए, हमेशा बरकरार रहेगा, आपके साथ रहेगा। तो कुल मिला के हमें भगवान और गुरु और वैष्णव के चरणों की क्या मिल जाए? टेक मिल जाए, आश्रय मिल जाए, सहारा मिल जाए, तब हम 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। वो स्कंद जिसकी घटना चक्र ही अलग है, एकदम घटना चक्र अलग। नंद बाबा 5 भाइयों में से बीच के थे, उपानंद
सुनंद वगैरह ये पांच भाई थे प्रजन्य जी के, तो ये बीच के थे, बड़े भाई नहीं थे। लेकिन गोकुल का राज्य पाठ नंद बाबा जी को दिया गया। उनके पिताजी ने तो बड़े बेटे को दे दिया, उपानंद को दे दिया कि तुम राजा बनो। उपानंद पूरी सभा में खड़े होके बोले कि हमारे भाइयों में जो ये बीच का भाई है नंद, ये पूर्ण तरह से विरक्त और वैरागी है, निष्काम है, निष्कपट है, हम लोग रागी हैं, हम राजपाट ठीक नहीं चला पाएंगे। राजपाट वही चला सकता है जिसके अंदर कोई राग या किसी के लिए अटैचमेंट ना हो। नंद बाबा मशहूर थे, वो अपने घर के लिए कुछ लेके ही नहीं आते थे, पूर्ण रूप से विरक्त थे, पर उनके जीवन में एक कमी की बेटा नहीं था, उनके पास बेटा नहीं था, अच्छे वो पूर्ण रूप से वैरागी। परजन्य महाराज जी ने नंदगांव में प्रार्थना की, वो महादेव है, क्या नाम है, आशेश्वर महादेव जी से प्रार्थना की, मेरे बेटे को एक बेटा मिले। यज्ञ भी किए, पूजा पाठ भी की, तो नंद बाबा यशोदा जी के पास आके कहते हैं ये लोग इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं बच्चे के लिए, मुझे बच्चे की कोई तलब ही नहीं, मैं तो वैरागी हूं, विरक्त हूं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूं जो मैं कई समय से छुपा के रखा था, रहस्य उजागर कर रहा हूं। तो एक छोटा सा बालक, सांवला रंग का, घुंघराले बालों वाला, लाल लाल ओंठों वाला, एक बड़े नैन और बड़े इतराते हुए मेरी तरफ हंसता हुआ देखता है, ये मैं अपने हृदय में देखता हूं तो दिखता है, जगता हूं तो वो दिखता है, उसका रूप, उसका रंग, उसका सारा का सारा हाव भाव एक संसारी व्यक्ति जैसा लगता ही नहीं है। हाँ, वो मेरे चित्त को आकर्षित करता रहता है। अगर बच्चा बने, मेरा बेटा बने, तो वो ही आए, और वो जो है ना इन पूजा पाठों से आने वाला नहीं है, हम उसके लिए क्या करें। तो महाराज जी बतला रहे थे उन्होंने एकादशी का व्रत किया, हम उसके लिए क्या करें, हम नारायण की पूजा करते हैं, हम नारायण से ही प्रार्थना करते हैं कि आप सर्व समर्थ हो, यही वाला लड़का हमको बेटे के रूप में। उन्होंने नारायण की पूजा की, नारायण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पुत्र मिलेगा, बड़ा सुंदर पुत्र मिलेगा, यही मिलेगा। जन्माष्टमी वाले दिन उनको पुत्र मिल गया। अब जैसे ही पुत्र हुआ, उनका जो वैराग्य था, जो उनका विरक्त भाव था, वो उड़नछू हो गया, एकदम गायब हो गया। अब वो इतने आसक्त हो गए, बेटे में आसक्त हो गए, अब वो बेटे के लिए बड़ी बड़ी घरों की प्लानिंग करने लगे कि मैं अपने घर को बड़ा सुंदर बनाऊंगा ताकि मेरा बेटा राजकुमार बने, मैं राजा तो मेरा बेटा राजकुमार बने। उन्हें मथुरा में जाकर टैक्स देना पड़ता था, कंस को आदमियों को भेज देते थे, वो टैक्स दे आते थे। अब वसुदेव जी ने कहा, मैसेज भेजा मथुरा से नंद बाबा को कि देखो आप आइए और ये क्या कहते हैं कंस को टैक्स दे दीजिए। तो उनके मैसेज लेके सुनकर छठे दिन, कृष्ण के पैदा होने के छठे दिन, नंद बाबा जी खुद बैलगाड़ी में खूब सारे मक्खन, दूध, दही, ये टैक्स था और रुपया टैक्स नहीं होता था, वो लेकर मथुरा गए कंस को देने के लिए। अब पूछो बाबा आप क्यों जा रहे हो, नौकर को भेज दो। बोलते हैं भाई अब मुझे डर लग रहा है, अगर नौकर ने गड़बड़ी कर दी, बीच में से टैक्स खा लिया, कंस को दिया नहीं या बदतमीजी कर दी और कंस नाराज हो गया और उसने मेरे से राजपाट ले लिया, तो मेरा बेटा राजकुमार कैसे बनेगा। तो अब उनके अंदर अपने बेटे को राजकुमार बनाने के लिए कंस कहीं नाराज ना हो जाए, वो खुद
अपनी बैलगाड़ी में बैठकर टैक्स चुकाने के लिए जा रहे हैं। यह है ब्रज। क्या है ब्रज? जहां पर भक्ति देवी अपने पुत्र के साथ आई, कौन कौन से? वैराग्य और ज्ञान। तो वो होश में ही नहीं आए, वहीं बेहोशी पड़े रहे। वो वृंदावन जहाँ वैराग्य बेहोशी में रहता है, उस वृंदावन में नंद बाबा जी का भी वैराग्य को क्या हो गया? बेहोशी आ गई। उन्होंने टैक्स दिया और टैक्स दे के बड़े खुशी खुशी बोले, मेरे पुत्र हुआ है। बता दिया। किसको बता दिया? कंस को बता दिया। और कंस को बता के वापस आ गए और वापस आकर अपने जहां पे बैलगाड़ी रखी थी वहां पे बैठ गए। तो वसुदेव जी मिलने के लिए आए। वसुदेव जी क्यों मिलने के लिए आए? क्योंकि वसुदेव जी का एक बेटा इनके पास था पहले। कौन? जो उनकी पत्नी रोहिणी मैया, वो वहीं रहती थी, तो उनका बलराम बेटा वहीं था। और वसुदेव जी अपने दूसरे बेटे को मथुरा से उठाकर वहां ले गए। अब ये तो कृष्ण का कमाल है कि वो वसुदेव जी के यहाँ भी बेटा बन गया और नंद बाबा जी के यहाँ भी बेटा बन गया। नंद बाबा जी के यहाँ पैदा हुए और वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए। अब वसुदेव जी तो यही मान रहे हैं ना, मेरा बेटा कहाँ है, नंद बाबा जी कहाँ है, वो तो यही मान रहे हैं। तो वसुदेव जी अपने बेटे का हालचाल पूछने के लिए नंद बाबा जी के पास आए और नंद बाबा जी बड़े मजे से आराम से लेटे हुए थे, शाम का समय था। उन्होंने पूछा, क्यों भाई तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, और रोहिणी का बेटा कैसा है मेरा, और तुम्हारा बेटा कैसा है जो अभी पैदा हुआ, अभी नाम नहीं रखा गया उसका। नंद बाबा जी बड़े खुशी खुशी से दोनों बेटों के बारे में बतला रहे हैं। दोनों बेटों में 7 दिन का अंतर, खाली ज्यादा लंबा चौड़ा अंतर भी नहीं। बड़े सुंदर ढंग से बतला रहे हैं। वसुदेव बोलते हैं, आप बड़े मस्ती से लेटे हुए कि अभी जाना नहीं है? बोलते नहीं, कल जाऊंगा, रात यहीं रुकेंगे, देर हो गई है। बोलते नहीं, आजकल ना, देखो वसुदेव बोले, आजकल ब्रज में बड़े उत्पात हो रहे हैं, आप अभी निकल जाओ। क्योंकि वसुदेव को मालूम था कि कंस जितने भी नए नए बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको मारने के लिए तैयार बैठा है। तो कंस ने उसी समय पूतना को कहा कि इनके बेटा हुआ है, तुम ब्रज में जाके मार दो। तो वही 6 दिन की रात को पूतना वहां पहुंची। अब लोग हमारे मठ में आते हैं, बोलते हैं आप कृष्ण पैदा हुए उसकी 6ठी नहीं मना रहे। मैंने कहा 6ठी तो पूतना ने मनाई थी। लोग 6ठी के लिए पूछते हैं, पता नहीं यहाँ भी एक प्रचलन है सारे मंदिरों में, क्या मनाते हैं? 6ठी। 6ठी मतलब 6ठा दिन। अब ये पता नहीं कहाँ से प्रचलन चला, लेकिन भागवत के हिसाब से 6ठी क्या थी? 6ठी वाले दिन नंद बाबा जी टैक्स देने के लिए कहाँ गए? मथुरा गए। और 6ठी वाले दिन पूतना आई शाम को, रात को समझ लो। अब जी नंद बाबा जी रात को चल पड़े। जब चल पड़े तो पूतना वाला कांड हो चुका था और पूतना गिर के एकदम पूरे बगीचे को उजाड़ के और नंद बाबा के वो क्या कहते हैं ब्रज के रास्ते में पड़ी हुई थी। वो पहाड़ जैसी बड़ी लंबी चौड़ी, वो स्त्री तो कहीं से लगती ही नहीं थी। अब जब ये बैलगाड़ी लेकर वहां पहुंचे तो वहां पे कहते हैं, अरे हम रास्ता भूल गए, लगते हैं ये पहाड़ तो हमारे रास्ते में था नहीं, कोई बीच में पहाड़ कहां से आ गया, ये कोई नया रास्ता है। तो अब जी वो रास्ता छोड़ने लगे, बोलते नहीं आगे जाके देखते तो नहीं। तो देखे तो वहां लोग भी दिखाई दिए। अब वहां लोग दिखाई दिए तो वो अपने ही लोग थे। वो लोग आरा कुल्हाड़ी लेके वहां बैठे हुए थे। तो बाबा उतरे, बोलते क्या हो गया? तब उन्होंने सारी कहानी बताई, किस तरह से आपके बेटे को ये लेके गई, उड़ के आई यहाँ पे। तो उसमें एक गोपी जो कि नंद बाबा जी के घर में थी, और वो गोपी ने जब देखा कि पूतना ने कृष्ण को उठा लिया है और यशोदा तो मूर्छित होके गिर गई है, अब वो यशोदा का ख्याल करती हुई पूतना के पीछे भागी। वो उसकी नजर कृष्ण के ऊपर थी, जो कृष्ण उसके स्तनों को कस के पकड़े हुए थे, वो नीचे तो देख ही नहीं रही थी। तो भागवत में वर्णन आ रहा है कि वो भाग रही है पर उसका किसी से टक्कर ही नहीं लग रही है।
अगर आपकी नजर ऊपर हो तो नीचे तो टक्कर लगनी चाहिए ना, नीचे दीवार है, चीजें हैं, पर उसकी टक्कर क्यों नहीं लग रही थी? क्योंकि उसकी नजर कहाँ थी? कृष्ण पे नजर रहो और दौड़ लगाओ, फिर देखो शायद टक्कर न लगे, चांस ट्राई करके देखना। पर पहले नजर कृष्ण पे डाल लो, तभी ये घटना घटित होगी। और जैसे ही वो पूतना गिरी तो वो उसकी बाजू से कड़कड़ कड़कर ऊपर चढ़ गई और चढ़ के कृष्ण को उठाया, वहां से दर्दर दर्दर करके नीचे आई और लाके सीधा यशोदा जी के गोदी में डाला तो यशोदा जी को होश आया। अब इतनी बड़ी पूतना को मारे कैसे, जलाए कैसे? इतना जलाने की भी उनके पास अरेंजमेंट नहीं था, तो उन्होंने आरी और कुल्हाड़ी लेकर उसके शरीर को क्या किया, काटना शुरू कर। नंद बाबा जी को ये पता चला तो बोलते हैं, अरे वाह वासुदेव जी तो ठीक कह रहे हैं, वो तो बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं। क्या भविष्यवक्ता हैं? कि आजकल तो ब्रज में बड़े उत्पात हो रहे हैं, तो इससे तो अच्छा है कि मैं अपने बेटे का और देखभाल करूं और ख्याल करूं। 2.5 साल तक तो वो गोकुल में रहे, ये सारी घटनाएं गोकुल में रही। अब 2.5 साल के बाद उन्होंने सोचा कि मैं गोकुल छोड़ दूं तो अच्छा है। अब नंद बाबा जी अपने बेटे को लेकर गोकुल छोड़ के जाने लगे, उन्होंने पूरी सभा बुलाई, सभा में मीटिंग करके बोला कि भैया मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, अब सपोज आप अपने घर को शिफ्ट कर लें तो आपका पड़ोसी आपके साथ जाएगा? कोई देखा है साथ जाएगा? लेकिन जब नंद बाबा जी ने कृष्ण को लेकर गोकुल को छोड़ने का प्लान बनाया, सारा गोकुल कहते हैं हम भी साथ चलेंगे। इसे कहते हैं ब्रज। सारे के तार किससे जुड़े हुए हैं? कृष्ण से जुड़े हैं। कहने को घर अलग अलग हैं, कहने को लोग अलग अलग हैं, लेकिन सारे के सारे जुड़े किससे हैं? कृष्ण से। नंद बाबा कृष्ण को लेकर चल रहे हैं तो सारा का सारा ब्रज भी साथ जा रहा है, और अंत में वो नंदगांव में आके बसे। तो इस तरह से गोपियों का प्रेम, माधुर्य प्रेम, माता पिता का प्रेम वात्सल्य प्रेम, और सखाओं का प्रेम सख्य प्रेम, ये जहां प्रेम निर्बाध रूप से बहता है वहां कृष्ण भगवान नहीं रहते, कृष्ण घर के सदस्य बन जाते हैं, उसे ब्रज कहते हैं। उस ब्रज की भक्ति को देने के लिए श्रीमद् भागवत बोली गई, यह है श्रीमद् भागवत का उद्देश्य। तो 9 स्कंद इसलिए बोले गए हैं कि हम उसकी साधना करें। साधना क्या करें? भगवान के भक्तों के प्रति हमारी अत्यंत गहरी अनुराग हो, और फिर हम 10वें में प्रवेश करें। मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले गया, क्षमा चाहता हूं। अब हम मैं माइक महाराज जी को देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, जोर से तालियां बजाओ, क्योंकि मैं तो इसीलिए आता हूँ। रामचंद्र प्रभु की जय। बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Govind Govind Radhe,
गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे बोल गोपाल राधे हरि बोल 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 आज हम लोग राधा रानी की जन्म महोत्सव की कथा सुनेंगे। कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है, जैसे आप लोग वृंदावन जाओ, वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? अब देखना वृंदावन में सब किसके नाम लेते हैं, जोर से बोला और जोर से बोले, भैया आप इतने राधे 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 बोलते हो, फिर ये भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं है? लोग कुछ प्रश्न करते हैं, इसमें राधा जी का नाम क्यों नहीं भागवत में? लेकिन हमारे गोस्वामी लोग कहते, भैया भागवत में तो राधा जी का नाम के सिवाय और कुछ है ही नहीं। भागवत में विशेष करके राधा जी की महिमा विशेष करके बताई गई है, क्योंकि ये जो ग्रंथ हम श्रवण कर रहे हैं, अब ये ग्रंथ का नाम क्या है बोलो, जिस ग्रंथ को हम सुन रहे हैं ग्रंथ का नाम क्या है, जोर से बोलो। हाँ, ये भागवत नहीं, इसका नाम श्रीमद् भागवतम। बोले श्री मतलब होता है श्रीया, श्रीमती राधा रानी, बाल लक्ष्मी। कहते मूल लक्ष्मी कौन? बोले श्री राधा रानी मूल लक्ष्मी है। कहते ये मद मतलब होता है प्रेम। कहते भागवत क्या है? बोले राधा रानी का प्रेम ही ये श्रीमद् भागवत है। एक उदाहरण देते हैं, कोई एक सेठ था, वो सेठ खूब पैसा कमाता है, लेकिन रखता है किसको पास? बोले सेठानी को पास। अभी सेठानी हीरे जवाहरातों को अलमारी में सजा सजा करके अलमारी की ट्रेजरी में रखती है। एक दिन वो सेठानी पागली नहीं हो गई और जितने हीरे जवाहरात थी उसको लेकर के छत के ऊपर गई और उसने लुटाना शुरू की, और जितने दुखी दरिद्र लोग थे सबके सब ये हीरे जवाहरात उठाए और सबके सब माला माल हो गए, सबके सब माला माल हो गए। बोले भैया ये सेठ कौन है? कहते ये सावरिया सेठ, कृष्ण ही ये सेठ है। इनका नाम, इनके रूप, इनकी गुण, इनकी जो लीलाएं हैं, ये तो खूब लीला करते हैं, लेकिन इनका जो प्रेम संपत्ति वो किसको पास में रखते हैं? इसके तेजरी किसको पास में है? बोले श्री किशोर जी को पास में। इसलिए जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं हो ना, तब तक कृष्ण का कृपा नहीं मिलती है। अभी एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी, बन करके छत के ऊपर में गई और जो कृष्ण रत्न धन रूपी जो रत्न को उसने लुटाना शुरू की, लुटाना शुरू कर की तो आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम के जो कांगाल वो धन को उठाए और सबके सब हम माला माल हो गए। इसलिए कहते ये श्रीमद् भागवत नहीं, ये क्या है? जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में पागली नहीं होकर के, कृष्ण प्रेम में दीवानी होकर के जब ये कृष्ण प्रेम को लुटाती है ना, ये भागवत है। हम भागवत नहीं सुन रही हैं, ये राधा रानी कृष्ण प्रेम को लुटा रही है, उसी प्रेम को ही हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं। इसलिए भागवत का जो सार है, देखो भागवत में 12 खंड है, प्रथम द्वितीय स्कंध बांके बिहार की 2 चरण, तृतीय चतुर्थ स्कंध ठाकुर के 2 उरु है, पंचम स्कंध ये भगवान की नाभि कमल, षष्ठ सप्तम स्कंध ये ठाकुर के 2 भुजाएं, अष्टम स्कंध भगवान की बक्ष स्थल, नवम स्कंध भगवान के कंठ और दसम स्कंध भगवान की मुखारविंद, एकादश स्कंध ठाकुर जी की ललाट और द्वादश स्कंध ठाकुर जी का सर। देखो ये भागवत नहीं, बोले तेन अयंग बांग मई मूर्ति, भगवान शब्द ब्रह्म रूप में ये श्रीमद् भागवत। जैसे जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, हम किस चीज को देख करके पहचानते हैं ये अमुक व्यक्ति,
बताओ किस चीज को देख करके हम पहचान जाते भाई अमुक व्यक्ति, बताओ तो क्या क्या देख करके? मुखारविंद है, इसलिए किस चीज को देख करके हम पहचानते ही अमुक व्यक्ति, उनकी मुखारविंद में सबसे पहले नजर हमारी कहां पड़ती है? इसलिए सबसे पहले नजर पड़ता है उनकी मुखारविंद से, उनको मुखारविंद से, शरीर का जो उत्तम अंग है, सर्वश्रेष्ठ अंग इनकी मुखारविंद। इसलिए भागवत जो दसम स्कंध है कदी ये क्या है, ठाकुर जी का मुखारविंद। लेकिन एक व्यक्ति सुखी ना दुखी उसको देख करके कैसे पहचान आता है? अगर वो हंस रहा है ना, अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है उसको देख करके पता चलता है भैया ये आदमी सुखी है। लेकिन किसका मुंह लटका हुआ देख करके पता चलता भैया ये तो दुखी है? कभी जो दसम स्कंध है ये कृष्ण की मुखारविंद है, कभी ये हंसी क्या है, जो हंसी है भगवान की जो दिव्य रास है यही हंसी है, ये जो रास लीला ही ये हंसी। मतलब भागवत का जो पूरा सार है ना, ये ठाकुर जी की दिव्य रास ही ये भागवत का सार है। इसलिए रास नहीं ये रस है, ये रास नहीं ये रस है, ये रस है। इसलिए उसमें पांच अध्याय है, कहते जो पांच अध्याय रास लीला की, कहते ये प्राण भागवत का प्राण है। जैसे कोई एक व्यक्ति हो लेकिन उसका प्राण ही नहीं हो वो तो बेकार ही है, इसलिए उसका प्राण है ना, कहते ये भागवत का तो रास लीला यही भागवत का प्राण है। लेकिन रास लीला का वो हीरोइन कौन है? कहते श्री राधा रानी। इसलिए जब रास चल रही थी वहां पर कृष्ण भी थे, वहां पर ललिता विशाखा भी थी, वहां पर कृष्ण स्वयं थे। लेकिन जब श्री राधा रानी रास लीला छोड़ देती हैं, वो रास वहीं पर बंद हो गई, रास वहीं पर बंद हो गई। क्यों? जो रासेश्वरी है रास लीला की, जो ईश्वरी श्री राधा रानी। इसलिए भागवत में, इसलिए जब पहले भागवत का बोले भगवान अपि तारात्री सरद उत्पल मल्लिका भिक्षरं तुमनस्ते जोग मायांगम उपाश्रिता। सुखदेव गोस्वामी जो रासलीला को प्रारंभ करते हैं, सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी के चरण में प्रणाम करते हैं, राधे अब ये रासलीला को मैं वर्णना करने जा रहा हूँ, आप मेरे ऊपर में आशीर्वाद करो। अगर कभी आप लोग रासलीला देखोगे ना, देखना राधा रानी सिंहासन में बैठी हुई होती है, कृष्ण अपना सखियों के साथ में जा करके राधा जी की प्रार्थना करती है, बोले हे किशोरी जो ये रास प्रारंभ हो रहा है आप कृपा करके रास में पधारो, क्योंकि रासेश्वरी तो आप ही हो, रासेश्वरी तो आप ही हो। इसलिए जो भागवत का जो सार है ना वो श्रीमती राधा रानी ही भागवत का सार। इसलिए भागवत का कण कण में ही राधा जी का नाम है। इसलिए जो पहला जो श्लोक है ना, जन्मादस्य जतः, श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम श्री राधा जी के चरण में प्रणाम करते। क्यों? बोले जिनसे ये सारे रस जिनसे प्रकट होता है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए भागवत का कण कण में ही राधा जी का नाम है। अभी प्रश्न है मेरे, राधा जी का नाम को यहाँ स्पष्ट रूप में फिर क्यों नहीं लिया? इसलिए अंदर में बड़े रहस्य की बात बताते हैं। कहते भागवत का जो सर्वप्रथम टीकाकार हुए श्री श्रीधर स्वामी, वो कहते हैं जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार राधा जी का नाम को लेते थे वो 6 महीना बेहोश हो जाते थे। बोले राधा नाम उत्तीर्ण सड़ मार्षिक मूर्छा भवे, एक बार राधा रानी का नाम लियो 6 महीना बेहोश हो गए। उन्होंने देखा मेरे पास में कुल 7 दिन में ये भागवत कथा सुनाना, अगर मैं 6 महीना तो बेहोश हो गया फिर कथा कैसे सुनाऊं? इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। ये पहला कारण। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के चरण में प्रार्थना करती, बोले हे राधे आप कृपा करके बताओ ये भागवत में आपका नाम को मैं किस रूप में ग्रहण करूं? राधा जी का डायरेक्ट आदेश है, बोले मेरे नाम को कहीं भी स्पष्ट रूप में ग्रहण नहीं करना, करना तो छुपा करके मेरे नाम लेना। ये राधा रानी का ये आदेश थी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी राधा जी का नाम को स्पष्ट रूप में ग्रहण नहीं किया। कहते ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या? आप लोग मेहंदी लगाए हो
कौन कौन कभी मेहंदी लगाए, हाथ उठाओ तो कौन कौन मेहंदी लगाती लगाए। आप मेहंदी पत्ते आप लोगों ने देखे हो, कौन देखे हो मेहंदी पत्ते? आप बताओ ये मेहंदी पत्ते का रंग कैसे है? हरा। मेहंदी पत्ते का रंग कैसे है? क्या वास्तव में मेहंदी हरा ना और क्या है? लाल है ना, लेकिन ऊपर इसमें ऊपर से क्या दिखती है? हरा हरा। लेकिन उसको पीसो, उसको पीसो तभी देखना वो मेहंदी हरा हरा दिखेगा। लेकिन जब अपना हाथ में लगा देते हो, नहीं तो प्यार में लगा तो फिर कौन सा रंग बन जाती है? ऐसे लाल बन जाती, महीना तक भी धोने पर भी छूटती नहीं। लेकिन वो ऊपर से क्या दिखती है? हरी हरी दिखती है। क्या तो उसी तरह भागवत को ऊपर से मैं देखोगे क्या, कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन अंदर में झांक करके देखोगे ना वो कृष्ण नहीं, अंदर में क्या है? राधा राधा। बोले आत्मा तो राधिका एव, कृष्ण का आत्मा कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। बोले कैसे और लाल रंग बनेगा, कैसे ये राधा रानी प्रकट होगी? बोले इसको पीसो, उसको पीसो। बोले पीसो मतलब क्या है? बोले भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। जो भक्ति करोगे ना फिर भागवत में आपको कृष्ण कृष्ण नहीं दिखेगा, फिर भागवत में तो आपको श्री राधे 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 दिखेगा है। उसका 14 कारण बताए क्यों भागवत में राधा जी का नाम नहीं। 14 कारण बताए कदी जो कृष्ण भक्ति है वो एक बहता हुआ नदी, जैसे नदी का पानी सभी पी सकते हैं, जानवर चिड़िया इंसान सब नदी का पानी पी सकते हैं, लेकिन कुएं में जो पानी हो ना ये कुएं पानी सब नहीं पी सकते। कुएं पानी तो वही पी सकता है जिसको पास में रस्सी कोई पात्र हो, वही केवल ये कुएं का पानी पी सकते हैं। तात्पर्य क्या है? कदी जो बहता हुआ जो नदी, कदी ये कौन? बोले कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति सब कर सकते हैं, है सब। लेकिन जो राधा जी की भक्ति है ना, जैसे नदी का पानी कोई नहा रहे हैं, कोई कपड़ा साफ कर रहे हैं, लेकिन जो कुएं का पानी होता है ना मीठा और निर्मल, उसमें कोई बनावट उसको कोई मिलावट नहीं, एकदम पवित्र पानी होती है। इसलिए जो राधा जी की जो भक्ति है ना वो कुएं की पानी है। मतलब ये कुएं का पानी कौन पी सकता है? अभी राधा जी की भक्ति कौन कर सकते हैं? बोले वही कर सकते हैं जिसको पास में कोई रस्सी कोई पात्र होना, वही कर सकता है। बोले भैया ये रस्सी ये पात्र क्या है? बोले रस्सी इसका पात्र इसको बताए, कोई एक ब्रज में एक संत हुए जिन्होंने एक बड़ा सुंदर कृष्ण के ऊपर एक बड़ा सुंदर एक भजन लिखा। वो भजन था मैं तो कृष्ण रंग में रंगी, सचमुच से भजन कृष्ण का बड़ा सुंदर भजन था। जिन जिन भक्तों के पास में वो भजन पहुंचा बड़े बहावा दी, बोले वाह सुंदर भजन है। लेकिन जब श्री महाप्रभु का भक्त श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी को पास में जब वो पत्र पहुंचा, उन्होंने एक श्लोक को लिख करके भेज दिया। देखो श्लोक क्या है? बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदा वनम तत अटबीम असंभाष तद भाव विरचिता उतः श्याम सिंधुर श्यामला। बोले तुम कह रहे हो कृष्ण भक्ति रस में था मैं, कृष्ण भक्ति रस में सराबर हो गया। बोले भैया कृष्ण भक्ति रस में डूबना इतने आसानी बात नहीं, कृष्ण भक्ति बड़े टेढ़ी खीरी है। देखना कृष्ण नाम भी टेढ़ा, कृष्ण भी तीन जगह में टेढ़े, वृंदावन जाना देखना गली भी टेढ़ी है। देखना कृष्ण नाम जब बोलो ना, जब तक ये जीवा तीन बार पलट नहीं जाए तब तक कृष्ण नाम ही नहीं निकलता है। इसलिए बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरे टेढ़ो जमुना तेरो टेढ़ी, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी जसोदा गोपरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी। भगवान की सब टेढ़ा है, कृष्ण का सावन को भक्ति भी बड़ी टेढ़ी है। हैं कृष्ण तीन जगह में टेढ़े क्यों? बोले कारण है कोई सीधा चीज है निकल जाए तो अंदर में जाए तो निकल आएगा, लेकिन कोई टेढ़ी चीज घुस जाए निकलेगा नहीं। इसलिए जब वो दिल में टेढ़े रूप में बैठ जाते हैं ना भैया, दिल से फिर वो निकलते नहीं। इसलिए कृष्ण तीन जगह से टेढ़े। इसलिए वो कह रहे हैं भैया कृष्ण, तुम कह रहे हो कृष्ण भक्ति रस में डूब गए इतना आसानी नहीं, कृष्ण को पाना इतना आसानी नहीं। अगर तुम कृष्ण को पाना चाहते हो पहले तीन चीज को अपनाओ, फिर जाकर के कृष्ण मिल सकते हैं, नहीं तो कृष्ण नहीं मिल सकते हैं।
बोलो तीन चीज क्या है, बोले अनाराध्य राधा बदाम भोज रेणु, ये पहला चीज है। बोले जब तक श्री राधा रानी के चरण को आप आश्रय ग्रहण नहीं करोगे, उनकी चरण की धूल को आश्रय नहीं लोगे। दूसरी चीज, राधा रानी की चरण का अंकित द्वारा जो वृंदावन धाम है, जब तक ये धाम तुम आश्रय नहीं करोगे। देखो सबसे बड़ी चीज है, जिस धारा से, जिस धारा में राधा जी की भक्ति नहीं हो, जो संत राधा जी की प्रेम रस में डूबे नहीं हुए हो, जब तक ऐसे संतों को तुम आश्रय नहीं करोगे, भैया जितने कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोल दो ना, भैया इतने आसानी नहीं कृष्ण मिलने वाले। इसलिए सबसे जो श्रेष्ठ वस्तु, जब तक ऐसे संतों को चरण में नहीं जाए, कौन सा संत? देखो हमारी संप्रदाय का नाम है गौड़ीय संप्रदाय। क्या नाम है? गौड़ीय। गौड़ीय मतलब क्या? राधा रानी गौरी, राधा रानी गौरी। इसलिए गौड़ीय मतलब है, कहते कृष्ण का तीन तरह का सखियां है, एक तटस्थ, एक स्वपक्ष और एक विपक्ष, उनके तीन तरह का सखियां है। कहते ऐसे कुछ गोपियां हैं जो केवल कृष्ण को ही मानते हैं, राधा जी को नहीं मानते। कहते ये सबके सब विपक्ष है, उल्टा सबके सब। कुछ ऐसे गोपियां हैं जो कृष्ण को भी मानते हैं, राधा जी को भी मानती हैं। कहते ये सबके सब कौन है? बोले ये ललिता विशाखा आदि तटस्थ सखियां हैं, लेकिन ये मानने पर भी, लेकिन राधा जी की तरफ में थोड़ी सी ज्यादा झुका हुआ है। लेकिन ऐसे कुछ सखियां हैं जो केवल राधा जी की सुख में सुखी और राधा जी की दुख में दुखी, ये केवल श्री राधा रानी को ही, इनकी चरणों को ही आश्रय करते हैं। कहते ये लोग राधा रानी की छोटी छोटी सखियां ये मंजरी कहती हैं। इसलिए यहाँ पर कहते भैया ऐसे संप्रदाय से हमें दीक्षा मंत्र लेनी चाहिए, जिस संप्रदाय में विशेष करके राधा जी की ही मुख्य रूप में आराधना हो। हम ऐसे साधु को साथ में जुड़ेंगे जिनको राधा रानी की भक्ति से कोई मतलब नहीं है, वो तो उल्टा पुल्टा इधर उधर का भजन करने वाले, फिर तुमको भैया फिर राधा रानी की भक्ति नहीं मिलेगी, कृष्ण भी तुम्हें नहीं मिलेगी, कृष्ण भी नहीं मिलेगी, राधा जी भी नहीं मिलेगी। क्यों? वो संप्रदाय में तो राधा जी कोई भक्ति है नहीं, राधा जी की कोई महत्व तो जिसमें नहीं है। इसलिए हमें ऐसे संप्रदाय से जुड़नी चाहिए जिस संप्रदाय में विशेष करके श्री राधा जी की उपासना हो, राधा जी की उपासना हो। इसलिए कहते जब तक ऐसे संतों की शरण में कोई नहीं जाए, कहते भैया कृष्ण रस में तुम गोता नहीं, तभी आपको राधे मिलेंगे जब आप ऐसे भक्ति धारा में, राधा जी की भक्ति धारा में जो संत जब उनकी चरणों का आश्रय ग्रहण करोगे। इसलिए भागवत में सर्वत्र श्री राधा रानी का नाम है। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की जय। अभी हम लोग राधा रानी की जन्म बनाया है, राधा रानी के पिता माता कोई बने देर है आने में 5 मिनट है ना। देखो अभी राधा रानी की कथा सुनेंगे, उसको हम एक माला जप कर लेते हैं। माला है ना? हाँ, तो 2 मिनट बैठो। देखो हम लोग रोज रोज एक एक माला जप करते हैं, कारण है कि भागवत का जो सार है